अच्छा जी अलैक्म सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कंटेनराइजेशन uh, के ऊपर और यूजिंग डॉकर ठीक है तो ये है तो सेपरेट टॉपिक लेकिन हम एक सीरीज कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप टू प्रोफेशनल कैरियर की कि और उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आज के टाइम में मंडेट्री हो चुकी हैं या होने जा रही हैं आने वाले टाइम में तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ऑप्शनल होती हैं आप सारा टाइम गुजार दें तो शायद आपको कभी उनको देखना ना पड़े सोचना ना पड़े लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो काम करना ही पड़ेगा आपको फौरन या थोड़े अरसे बाद तो ऐसी एक चीज़ जो काफ़ी पॉपुलर हुई है पिछले छः सात सालों के अंदर वो डॉकर है आ, आप में से बहुत सारों ने इसका नाम सुना होगा कहीं अभी नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि ऐसे अभी ये पार्ट नहीं बना पार्ट एंड पार्सल नहीं बना ना हमारे कोर्स का करिकुलम का ना ही अभी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा है उसकी कुछ रीजन है और लेकिन एवेंचुअली एवेंचुअली ये पार्ट बनने जा रहा है आपका सो ही इज माई क्यूक इंट्रोडक्शन मोस्ट ऑफ यू आर रेडी नो अबाउट इट हाउ टू कॉन्टेक्ट इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस दिस फर्दर और एनी अदर क्वेश्चन सो स्टार्ट एक्चुअली आई हैव नॉट अपडेटेड द एजेंडा सो मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ उसको मैंने तो थोड़ा सा अपडेट करना था अभी अपडेट नहीं किया बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं डिस्कशन uh, स्टार्ट करते हैं कि uh, हमारा बेसिकली पर्सपेक्टिव क्या है कुछ अर्सा पहले तक कुछ अर्सा मेरे ब्रादर बीस पच्चीस साल पहले तक जो एप्लीकेशन या इंस्टॉलेशन होती थी वो मशीन्स के ऊपर होती थी यानी आपके एक मशीन आपने ले ली लैपटॉप डेस्क वगैरह उसके ऊपर सिंगल ओएस होता था और आप उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे और वो एप्लीकेशन आपकी सॉफ्टवेयर जो भी होता था वो एप्लीकेशन उस मशीन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ टाइटली कपल्ड होती थी और अगर आप और सम टाइम आप दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे तो वो पहली वाली को ख़राब कर सकती थी बिकॉज अगर आप विंडोज़ की एग्जांपल ले लें तो आपने एक वर्जन इंस्टॉल किया दूसरी एप्लीकेशन के लिए दूसरे वर्जन की रिक्वायरमेंट थी तो वो बेसिकली जब रजिस्ट्री में एंट्रीज होती थी उस टाइम पे भी और अभी भी ये प्रॉब्लम आते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा वर्जनस के प्रॉब्लम आते थे सो so, आइडली ये करते थे कि अगर मैंने अपनी एक एप्लीकेशन डिवेलप करनी है या मैंने डिप्लॉय करनी है तो मैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम या एक ही मशीन उसके लिए स्पेसिफिक रखूंगा ताकि ये कॉन्फ्लिक्स और ये चांसेस ना आए और मल्टीपल एप्लीकेशन रन करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा कॉस्ट इन्वाल्व होगी एप्लीकेशन छोटी हो या बड़ी हो तो आपके पास आपको पूरी मशीन चाहिए और मशीन जब चाहिए तो फिर इट मीन आप उसके रिसोर्स यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मशीन डेडिकेटेड उस चीज के लिए है ये है वर्चुअलाइजेशन से पहले की बात ठीक है और अभी भी हमारे पास हम नॉर्मल जो मशीनें यूज करते हैं डेव में या वैसे लैपटॉप वगैरह वो, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं नॉर्मली मेन हमारे हार्डवेयर के ऊपर और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं और विद टाइम गार्बेज कटी जाती है उसके ऊपर फिर हमें विंडोज री करनी पड़ती है या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हम यूज कर रहे हैं री इंस्टॉल करना पड़ता है उस गार्बेज से बचने के लिए क्योंकि हम एक्चुअली मेन ओ के ऊपर ही सारा कुछ करी जा रहे होते हैं वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है वर्चुअलाइजेशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है अब्सट्रेक्शन का कि आप चीजों को एक्चुअल चीजों को हाइड कर दें जो आपकी चीजें हैं एक्चुअल हार्डवेयर को हाइड कर दें एक्चुअल ओएस को हाइड कर दें मेमोरी को हाइड कर दें हार्ड डिस्क को हाइड कर दें और उसके ऊपर लेयर्स क्रिएट कर दें डिफरेंट तरह की यानी एक सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को तो मेमोरी हार्ड डिस्क चाहिए तो आप उसको एक्चुअल हार्ड डिस्क की बजाय एक लेयर दिखाएं उसको एक एक्सपोज करें लेयर और उसके उस हार्ड उस डिस्क में जो मर्जी वो करे और जब वो कहे जी मैंने इसको खाली करना है तो वो जो उसको पोर्शन आपने दिखाया हुआ था एक्सपोज किया हुआ था वो खाली हो जाए इसी तरह आपके पास नेटवर्क्स की लेयर्स हैं नेटवर्किंग की अगर बात करूं जी एक्चुअली मेरी मशीन के ऊपर एक आईपी एड्रेस है फिजिकली एक मैक लगा हुआ है या एक मेरे पास है मैं कहता हूं इसको पांच आईपी मिल जाएं अगेन फिजिकली चूंकि हम पढ़ते हैं कि फिजिकली तो एक निक के ऊपर एक ही हो सकता है लेकिन आप वर्चुअलाइजेशन के जब परस्पेक्टिव में आते हैं तो लेयर क्रिएट कर देते हैं आउटर वर्ल्ड के लिए आप उस तरह ही होंगे इंटरनली आपने कैसे एक्सपोज करना है अपने आई को आप मल्टीपल आई पी एड कर लेते हैं तो बेसिकली अलूजन है एक धोखा समझ ले हैं जो हम दे रहे हैं और लियरिंग क्रिएट करके एब्सट्रेक्शन क्रिएट करके ताकि जो जो चीज़ें हमें करनी है वो बेसिकली हो और इसमें वर्चुअलाइजेशन की ये कुछ टाइप्स हैं अब तो बहुत ज्यादा हर चीज़ में वर्चुअलाइजेशन आ गई है हर चीज़ के अंदर वर्चुअलाइजेशन है इवन अगर आप लैपटॉप के अंदर विंडोज टेन यूज कर रहे हैं और अगर आप इसका हाइपर वी का फीचर यूज करते हैं तो आपका विंडोज टेन भी आपकी एक वर्चुअल मशीन की तरह चलती है तो वर्चुअलाइजेशन की अब सब से, अब सब आ, की सब लोगों ने फेस हुई है जावा वर्चुअल मशीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने तो जावा हम सब मोस्टली पढ़ते हैं स्टडी के दौरान तो उसके अंदर हम जेवीएम का वर्ड सुनते हैं जावा वर्चुअल मशीन तो वो भी बेसिकली एक वर्चुअलाइजेशन की टाइप समझ लें कि जिसके अंदर आप वो एक्चुअल चीजों से हाइड करके ऊपर आपको एक लेयर दिखा रहा है आप उसके मुताबिक काम करते हैं और फिर वो एक्चुअल हार्डवेयर के मुताबिक या नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है प्लेटफॉर्म होता है उसके मुताबिक वो कन्वर्जन करता है तो भी एक वर्चुअलाइजेशन की टाइप है इसलिए इसका नाम भी वर्चुअल मशीन है सो so, वर्चुअलाइजेशन एक काफी डिटेल टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ओ में मोस्टली हम पढ़ते हैं सुनते हैं इसका नाम और जो सबसे इसकी फेमस एग्जाम्पल है वर्चुअल मशीन है यानी आप वीएम के अंदर या वर्चुअल बॉक्स के टूल के अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं और उस वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि आप अपना एक ओएस इंस्टॉल कर लेते हैं एक ही मशीन के ऊपर आपके पास जैसा मेरे पास अगर विंडोज 10 है या मैं मैंने लाइनिंग इंस्टॉल की हुई है तो मैं वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके या वीएम इंस्टॉल करके मैं उसके अंदर बहुत सारे अपने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता हूँ सो so, मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो ये मेरे पास एक वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर है इसके अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन ओबन की और एक सेंटो एस वगैरह एट की वर्चुअल मशीन की हुई है अब इस वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट ने एक यानी रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन इसकी वजह से आ गई थी कि अब मेरे पास अगर मेरा एक लैपटॉप है या इसके अंदर मैंने हार्डवेयर ले लिया है और मैंने डिफरेंट टीम्स को या डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल करना है तो मैं एक ही अगर ओ पे सारा कुछ करना शुरू कर दूंगा तो वहीं गार्बेज इकट्ठी और प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि आप अपनी मशीन के ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लें और जितनी मर्जी क्रिएट कर लूँ और फिर मैं उन वर्चुअल मशीन्स को मेमोरी एलोकेट कर देता हूँ कि इस मेरी टोटल मशीन अगर रैम फॉर एक्जाम्पल थर्टी टू जी बी है तो मैं कह दूंगा इसको चार जी बी चाहिए इसको आठ जी बी चाहिए ये अपर लिमिट होती है ये आठ जी बी रिजर्व नहीं कर लेते और हार्ड डिस्क कितनी चाहिए जिसको सौ जी बी हार्ड डिस्क चाहिए इसको पचास जी बी हार्ड डिस्क चाहिए तो जब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाएंगे यानी इस मैं वाश्वर मशीन के अंदर जाऊंगा तो मुझे वो हंड्रेड जी और चार जी बी रैम ही नजर आ रही होगी बिकॉज मैं उस बॉक्स में चला गया हूँ ब्लैक बॉक्स के अंदर तो उस बॉक्स के अंदर जाऊंगा तो मेरे लिए सारा बाउंड्री क्रिएट हो गई है मैं उस बाउंड्री से बाहर नहीं बात कर सकता मतलब बाहर मुझे एक्सेसिबिलिटी नहीं है डायरेक्टली मुझे एक्सेस देनी पड़ेगी तो ये समझ लें आपके पास ये नहीं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक आउटर uh, वॉल है उसके अंदर आपने छोटे छोटे बॉक्सेस क्रिएट कर दिए हैं एक बॉक्स के अंदर जाएंगे तो उस बॉक्स की अपनी लिमिटेशन और एक्सेसिबिलिटी है आप बाहर की दुनिया में एक्सपोज़िशन कर सकते हैं नहीं भी कर सकते ब्लैक बॉक्स में चलता रहे आपको लगता है कि जी अब मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं इस पर काम कर रहा हूँ ये खराब हो गया है इसको राइट क्लिक करें डिलीट कर दें और दोबारा इंस्टॉल कर लें तो दोबारा आपके पास पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी इस वीएम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और वीएम होती है कि एक्चुअली एक फाइल होती है पीछे एक फाइल पड़ी होती है और सारी की सारी सेटिंग्स जितनी भी होती है उस फाइल में सेव हो रही होती हैं तो ये वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है जिसके अंदर आपको एक पावर मिल जाती है और आप अपना काम कर सकते हैं और रिसोर्स शेयर कर सकते हैं जितना आप सुनते हैं आज क्लाउड सारा वर्चुअलाइजेशन पे चल रहा है जितने आप सर्वर्स की बातें सुनते हैं 99 नाइन परसेंट वर्चुअलाइजेशन की बेस पे चल रहे हैं फिजिकल सर्वर्स होते नहीं अब यूज ही नहीं होते मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी ने फिजिकल सर्वर अब यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं बहुत ही कम है चांसेस हैं 90 परसेंट यही होगा कि आप सर्वर परचेज करेंगे मशीन हार्डवेयर और उसके ऊपर अपना इस तरह का को कोई हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और टीम्स को एलोकेट कर देंगे अच्छा ये आपकी ये वी है डेटाबेस की आपकी वी है वेब की इस पर काम करें टीम्स के लिए वो एक वी एक वर्चुअल मशीन होगी टीम को आइडिया नहीं होगा कि वो कहाँ पड़ी हुई है टीम उसका आई पी उसको एक्सेस करेगी इस्तेमाल करेगी जैसे भी करना है करेगी और बड़े फायदे वर्चुअलाइजेशन के मुझे बैकअप लेना है मैं अपने लैपटॉप बैक अप का बैकअप कैसे लूँ लैपटॉप का बैकअप लेना काफी प्रॉब्लमेटिक है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जो ले देते हैं पूरे के पूरे हार्ड डिस्क का बैकअप कर लेते हैं लेकिन इसमें कितना आसान है मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा इसका स्नैपशॉट ले लूंगा बैकअप ले लूंगा जैसे हमने गिट में देखा था कि वर्जनिंग कर सकते हैं तो मैं इसका स्नैपशॉट ले लूंगा तो एक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा अगले दिन फिर स्नैपशॉट ले लूंगा तो मेरे पास पूरे जो जो फाइल है उसकी जो स्टेट है वो मेंटेन हो जाती है वो कैसे लेता है वो डिफरेंशियल लेते हैं वो फुल बैकअप लेता है वो डिफरेंट कहानी है बट आप इनका बैकअप ले सकते हैं कोई मसला आता है आपके पास अंदर कोई इंस्टॉल हो गया कोई इशू आ गया अंदर आप दोबारा अपना पुराना वाला स्नैपशॉट रिस्टोर कर सकते हैं तो so ये सारे वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं अच्छा वर्चुलाइजेशन के मैं इसलिए डिस्कशन ज्यादा कर रहा हूँ कि जो अगला टॉपिक है वो इसी की बुनियाद पे है अगर हमें ये क्लियर हो जाएगा तो फिर वो अगला टॉपिक काफी आसान समझ आएगा हमें ठीक है एनी क्वेश्चन इन दिस वर्चुलाइजेशन में कोई आप मजदीद ऐड करना चाहेंट मैंने मिस किया हो आई वॉन्ट टू मेक दिस इंटरेक्टिव सेशन ठीक है बिकॉज रिकॉर्डिंग तो मैं वैसे भी कर सकता था इस सेशन की और फिर रिकॉर्डिंग शेयर कर देता बट आप लोगों को इन्वाल्व करने का फ़ायदा ये कि आप क्वेश्चन करें और इंटरेक्टिव हो और ऐसी चीज़ें जो मेरे जहन में नहीं है हम उनको रिकॉर्ड कर सकें जी बताइए प्लीज आ, कोई इसमें क्वेश्चन है कोई इसमें कोई पॉइंट आपके जहन में वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट जो मैंने एक्सप्लेन किया वह आपके जहन में हो ओके वी ऑल आर गुड देन बिलाल भाई मैं ये कहना चाहता था कि इसमें कॉस्ट वगैरह किस तरह से मैनेज हो रही होती है मतलब हम जिस मशीन पे काम कर रहे हैं वीएम भी बनाया हुआ है हमने तो वो भी रन हो रहा है उस मशीन का अपना ओएस भी रन हो रहा है कॉस्ट किस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं पैसों के लिहाज से कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को नहीं 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 लाइक हाँ वो भी और वैसे भी के उसमें परफॉर्मेंस किस तरह से अगर इम्पैक्ट होती भी है तो वो किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है एक मतलब ये एस भी चल रहा है या सैंडल भी चल रहा है वीएम के अंदर ऐसे भी फिर एक आपका अपना ओएस है जो उस वीएम को चला रहा है तो वो एक सा नहीं बन जाता बिल्कुल, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास ये जो है ना आ, ये जो वीएम चल रही है या ये जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना हाइपरवाइजर का वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स मैनेजर ये हमारी विंडोज के लिए समझ लें कि एक प्रोसेस है एक प्रोसेस है जिसमें विज स्टूडियो एक प्रोसेस है उसको फॉर एग्जाम्पल एक मेमोरी चाहिए होती है तो ये लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल प्रोसेस है तो विंडोज़ के लिए ये एक प्रोसेस है जिस जिस प्रोसेस के अंदर आगे ये मैनेजमेंट हो रही है अब आपने एलोकेशन कर दी कि जी वन की फोर जी बी रैम है तो हमें पता है कि हमारे नॉर्मली जो जिस तरह मेरा ओएस चल रहा है तो नॉर्मली सारी रैम तो इस्तेमाल नहीं हो रही होती वैसे ही सर्वर पे भी होता है हर टाइम सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही होती तो, तो, तो आपके लिए एक मशीन पूरी सोलह जी बी बत्तीस जी बी की एक ही एप्लीकेशन को एलोकेट करने की सेंस नहीं बनती जब आप इस तरह डिवाइड कर देते हैं तो आप कहते हैं जी मेरी मशीन अब फॉर एक्जाम्पल बत्तीस जी बी है मैंने इसको भी सोलह जी बी दे दी 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 अब मेरे पास वैसे तो फिजिकली पत्तीस जीबी है लेकिन मैंने चार मशीनों को सोलह सोलह दे दी है अब चौंसठ okay. है नहीं लेकिन इनको सोलह नजर आ रही होगी इसका मतलब है कि सोलह तक जा सकते हैं अब अगर ये सारे ही okay. सोलह तक जाने की ट्राई करेंगे तो फिर आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फिर आपके पास जो बाहर वाला ओएस है वो यानी स्लो हो जाएगा या वो हॉल्ट होना शुरू हो जाएगा या मजीद एलोकेशन नहीं हो पाएगी वो सारे सिनेरियो जो नॉर्मल होते हैं ज्यादा रिसोर्स कंजम्पशन में वो यहाँ पे भी होंगे बट अगर आप और करेंगे तो मोस्टली ऐसा नहीं होता कि सारी सारे जो हैं वो यूज कर रहे ठीक है अब इन्हीं जो ये वाली बात है इसी मसले का ही हाल आ गया मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने लगा कि इस वाले मॉडल में प्रॉब्लम क्या है यानी वर्चुअल वाले में कॉम्प्लेक्सिटी तो है उस पर हम डिस्कशन में नहीं जाते कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है कैसे मैनेज किया जा रहा है वो सब कुछ है बट इसने आके एक रेवोल्यूशन बर्पा की है क्लाउड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बेस पे है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है इस चीज के अंदर क्या वर्चुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है यानी अगर हम इस वी की बात करें क्या इस मॉडल में भी कोई प्रॉब्लम है या ये परफेक्ट मॉडल है ठीक है दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें समझने की जरूरत है तो जरूर। जी क्वेश्चन बिलाल जी सर सर जब कोई भी सिस्टम चल रहा है जैसे अब ये जो बुंटू है जी जी। ये... ये वर्किंग में है तो हमारे सिस्टम की सपोज आठ जी बी रैम है और हमने इसको कहा वो कि चार जी बी देंगे जब ये जुपन काम कर रहा है तब चार की चार पूरी इसको एलोकेट हुई हुई है या जो जो के अंदर जो हैं जितनी मेमोरी वो ले रहे हैं सिर्फ वो मेन मेमोरी से मेमरीजी जी वही वही जाएगी ये सही कह रहे हैं आप जितनी मेमोरी अंदर प्रोसेसिज ले रहे होते हैं उसको शो फोर जी बी हो रहा होता है लेकिन फोर जी बी इसकी रिजर्व नहीं की जाती ये अब इतने इंटेलिजेंट हो गए इतने ऑप्टिमाइज्ड हो गए दस साल पहले शायद डिफरेंट आंसर होता लेकिन अब जो है ये बेसिकली इसको शो कर रहे होते हैं लेकिन ये फोर जी बी ब्लॉक नहीं कर लेते इनके पास कैपेसिटी होती है तक जाने की लेकिन जी बी ब्लॉक नहीं करते ठीक है क्वेश्चन इसी तरह हार्ड में भी ये ब्लॉक नहीं करते क्योंकि अगर ये ब्लॉक कर लेंगे फिर तो काम खराब हो जाएगा अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है देखिए थोड़ा सा अगर हम गौर करते हैं कि अगर मैंने ये बनटू इंस्टॉल किया है या मैंने यहाँ पे विंडोज ही इंस्टॉल किया है तो ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जो बनटू का है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्रॉपर यानी साइज़ है यानी दो जी का फॉर एग्जाम्पल साइज़ है और जब मैं इसके अंदर बंटू के अंदर मैं अपनी एक सिंपल एप्लीकेशन रन करता हूँ डॉट नेट की या जावा की या जे की वो एप्लीकेशन शायद फ्यू किलोबाइट्स की एम बीज की होगी और उसको शायद इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग भी नहीं चाहिए होगी लेकिन चूंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन को एक सेपरेट इन्वायरमेंट में डिप्लाई करना था इसलिए मुझे ये एक अलहदा वीएम चाहिए थी ताकि मैं डिप्लाई कर सकूँ अब सिर्फ उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को और साथ वेब सर्वर को अपाची को या आई को साथ मेरी मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे डॉट नेट का फ्रेमवर्क चाहिए या नोट का रन टाइम चाहिए और साथ मुझे वेब सर्वर चाहिए और मेरी एप्लीकेशन है लेकिन वो शायद मेरी जो उस मशीन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो मेमरी खा रहा होगा शायद वो टू परसेंट खा रहा होगा लेकिन जो नाइन्टी एट मेमरी पड़ी हुई वो किसके लिए पड़ी हुई है ओ के लिए पड़ी हुई है तो जो प्रॉब्लम सेपरेशन तो हो गई एक आपने आइसोलेशन कर दी चीजों की लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि जो बंटू चल रहा है ये इंडिपेंडेंटली चल रहा है इस इस इसके अंदर जो प्रोसेसिस चल रहे हैं वो इसके अपने अंदर चल रहे हैं और बहुत सारे अगर आप और करें मेरी मेरा जो हो अच्छा जहां पे ये होस्ट हुआ हुआ है ना उसे कहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे मेरा ये चल रहा है तो अभी विंडोज पे चल रहा हूँ तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाएगा विंडोज और उस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये वर्चुअलाइजेशन हुई, हुई हुई है ये दो अलग अलग चल रही है अब यानी इस मॉडल में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजों को इस्तेमाल कर सके यानी अब होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है एक बाइनरी चल रही है और वो बाइनरी मुझे इस बंटू में चाहिए तो मैं मुझे क्या करना चाहिए खलाकन कि मुझे वो बाइनरी बंटू के अंदर भी रखनी चाहिए रखनी चाहिए या मुझे वो होस्ट इस्तेमाल कर लेनी चाहिए क्या कहते हैं आप इस चीज के बारे में मैं इसको थोड़ा

तो अगर मैं इसके ऊपर मैं विंडोज़ की एग्जाम्पल छोड़ के लाइनिंग से एग्ज़ाम्पल लेता हूँ क्योंकि लाइनिंग ज़्यादा सेंस बनाएगा अगर यहाँ पे लाइनिंग्स का करना चल रहा है और बहुत सारी बाइंड्रीज पहले ही मेरे पास अवेलेबल हैं मेरे पास सारे जो स्टोरेज मैनेजमेंट नेटवर्क मैनेजमेंट और बहुत सारी बाइंड्रीज अवेलेबल हैं अब मुझे मैं अपना सॉफ्टवेयर इस इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करूँगा तो फिर तो वो जो पहला मसला था वही आ जाएगा और अगर मैं इस कर्नल के ऊपर जाके अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम नया एक वीएम एम बना रखता हूँ और उस वीएम के ऊपर मैं अपनी ओएस इंस्टॉल करता हूँ नॉर्मली वो भी कोई लाइनिज की डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है जो हम ओएस करते हैं तो लेट्स वन टू है सेंट ओएस है कोई मैं इंस्टॉल करता हूँ अच्छा जी वो वो इंस्टॉल हो गया अब उसके ऊपर छोटी सी मेरी एप्लीकेशन चल रही है मेरे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और बहुत सारी जो रिसोर्स की जो कन्जम्पन है वो बेसिकली ये जो हमारा वी के अंदर मैंने ओ इंस्टॉल किया ना वो खा रहे हैं और चांसेस ये हैं कि बहुत सारे जो चांसेस uh, के बहुत दफ़ा ऐसे ही होता है कि बहुत सारे जो प्रोसेसिज होते हैं जो बाइनरीज होती हैं वो शेयर्ड होती हैं यानी वो नीचे वाले कर्नल के पास भी होती हैं और इस वाली वी के अंदर भी हैं जो आपने की हुई हैं ठीक है तो इस वर्चुअलाइजेशन का फ़ायदा भी है लेकिन ये जो एक मॉडल है कि चूँकि आपने इस तरह चलाया हुआ है और इंडिपेंडेंटली चल रही हैं चीज़ें और वो अपने पास भी वो सारी बाइनरीज और चीज़ें रख रही हैं जो ओ एस लेवल की हैं मेरी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट तो है ही है कि मेरी एप्लीकेशन में जी अपाची होना चाहिए ये मेरा सॉफ्टवेयर है यहाँ पे लट्स नोड होनी चाहिए और मेरा ये सॉफ्टवेयर वो तो है ही है बट ये जो पार्ट है ना ये वाला जो ओ एस का मैं एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर रहा हूँ ये एक ओवर है मेमरी वाइज भी ओवर हेड है सी पी यू वाइज भी ओवर है और अगर मुझे ये वी चलानी पड़ती है तो उसके लिए भी मुझे एक ओवर है दस सेकेंड बीस सेकंड तीस सेकंड टाइम कहते हैं बूट टाइम कहते हैं स्टार्टिंग टाइम कहते हैं वो स्टार्ट 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 होगा होगा पूरा हो उसकी चीजें होंगी और फिर मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी अब क्या किया जाए इसको इसका क्या काम किया जाए यानी हमें वर्चुअलाइजेशन भी करनी है वर्चुअलाइजेशन के फायदे क्या हैं कि ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना ब्लैक बॉक्स मैंने लगाया है ये ब्लैक बॉक्स ये इधर से आप इधर से इन चीजों को छेड़ नहीं सकते डायरेक्टली यानी ये ब्लैक बॉक्स बाउंड्री है इस वीएम ने इस वीएम से बात करनी है तो वो कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जिस तरह नॉर्मल होता है पोर्ट का और आईपी का आप उसके थ्रू ही बात करेंगे आप इधर से बैठ के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को छेड़ नहीं सकते इसके फाइल सिस्टम को नहीं छेड़ सकते इसके अंदर प्रोसेस को नहीं छेड़ सकते यहाँ से बैठ के इधर तो वो एक सिक्योरिटी वाला बैरियर जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो भी रखना है कायम कि जी ये एक अलहदा चीज रहे और मुझे ये भी कायम रखना है कि जो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है नोड की अपाची की वो जो यहाँ चल रही है दोनों आपस में वो ना मिक्स ना हो और मुझे ख़राब ना करें तो मुझे ये ब्लैक बॉक्स भी रखना है और वर्चुअलाइजेशन भी रखनी है तो क्या होना चाहिए आइडिया हमारे जहन में क्या करें हम इसका अगर हम ये काम करें कि मैं यहाँ पे ये कहूँ कि अच्छा जी हम ऐसे करते हैं कि नीचे वाला हमारा जो कर्नल है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो जो भी कर्नल है वो ये नीचे रहेगा और हम अपने ये जो वर्चुअल मशीनज है ना इनको छोटा कर दें और वर्चुअल मशीन के अंदर सिर्फ वही चीज़ें रखें जो मेरे मेरे काम को चलाने के लिए चाहिए मुझे मिसाल के तौर पे मैंने अपनी नोट की एप्लीकेशन बनानी है ओके okay, नोट की एप्लीकेशन आ गई मुझे नोट का इन्वायरमेंट चाहिए बिकॉज नोट के बगैर तो नहीं चलेगी ना एप्लीकेशन नोट का मैंने रन टाइम कर दिया दूसरी एक्जाम्पल देता हूँ पीएचपी चाहिए तो पीएचपी इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर अपाची चाहिए मुझे अपाची करना पड़ेगा माई एस चाहिए मुझे वो जिन चीज़ें मेरी एप्लीकेशन चलनी चाहिए वो मेरे सारे सॉफ्टवेयर इस बॉक्स के अंदर कर देता हूँ और फिर इनको चलाने के लिए कुछ अगर मुझे बाइंड्रीज चाहिए बेसिक बाइंड्रीज चाहिए वो मैं यहाँ रख देता हूँ और जो ओ एस लेवल के बाइंड्रीज हैं कर्नल हैं वो मैं इसके अंदर नहीं डालता बल्कि मैं बीच में एक लेयर डाल देता हूँ और ये लेयर बेसिकली मेरी हेल्प करेगी कि मुझे कभी इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो जाकर नीचे इधर से बात कर लिया करेगी इसको इस्तेमाल कर लिया करेगी यानी वो तमाम चीजें जहाँ पे हैवी लोडिंग थी वो यहाँ डाल दी मैंने तो अगर मैं ये वाला वर्चुअल वाला कंसेप्ट लेके आता हूँ और इस तरह की वर्चुअल मशीन बनाता हूँ वो सारी बातें जो मैंने की थी वर्चुअल मशीन जो होती हैं वो एक पूरा डब्बा होता है और आपस में वो ब्लैक बॉक्स होता है और उनमें आप डायरेक्ट इधर से चीज़ों को छेड़ सकते हो सारा वो सारा का मह... सारा, सारा वो वैसे ही है उसको ख़राब नहीं किया जा रहा तो अगर मैं ये कर देता हूँ और इस तरह करता हूँ ये बेहतर नहीं है आपके ख्याल में अब मुझे जब चलाना होगा इसको रन करना होगा तो रन करते वक्त मुझे वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने की कॉस्ट थी वो तो नहीं पड़ेगी ना अब क्योंकि वो मेरे पास वो इंग्रेडिएंट्स हैं ही नहीं मेरे पास अब वो बेसिक सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए थे मुझे वो नीचे पड़े हुए हैं तो मुझे दोबारा स्टार्ट नहीं करने पड़ेंगे अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी तो वो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास ये लेयर मैंने क्रिएट की बीच में एक इंजन की नई लेयर ये मेरे लिए हेल्प करेगी और नीचे से जाके ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल से जो बात करनी है वो करवा देगी इस चीज़ को जो वर्चुअलाइजेशन का ये एक नया मॉडल आया है

दूसरी दूसरा ये कंटेनर आपने लदा क्रिएट कर दिया है ये इसके अंदर अपनी डिपेंडेंसीज हैं सारा कुछ है अब मैं दोबारा एक दो मिनट के अंदर इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर प्रैक्टिकल काम की तरफ चलते हैं ताकि आपको समझ ज़्यादा आए क्योंकि अभी मेरा ख्याल है कि हम ज़्यादा बातें कर रहे हैं तो शायद थोड़ी सी मुश्किल आ रही होंगी अच्छा कंटेनराइजेशन की अगर तारीफ की जाए तो कंटेनराइजेशन क्या है आज ए डेवलपर आप सोचिए थोड़ी देर के लिए में सोचिए कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन जो आप अपनी मशीन पे डिप्लॉय डेवलप कर रहे हैं वो डिप्लॉय करनी हो तो क्या चाहिए होता है कहीं पे डिप्लॉय करनी हो या आपने वही एप्लीकेशन अगर डिप्लॉयमेंट का भी आपको एक्सपोयर नहीं है दूसरे अपने फ्रेंड की मशीन पे एप्लीकेशन चलानी हो तो क्या चाहिए आपको आपको उसे कहना पड़ेगा यार पहले अपनी मशीन पे ये सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करो फिर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो फिर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और फिर तुम्हारी ये मेरी एप्लीकेशन चलेगी यहाँ कभी आपने अगर गिट हाफ से कोई कोड लिया हो और वो कोड अपनी मशीन पे चलाना हो तो लिखा होता है कि पहले ये इंस्टॉल करो एनपीएम का वर्जन इंस्टॉल करो नोड इंस्टॉल करो ये चीज़ करो ये चीज़ करो फिर चीज़ें चीज़ चलेंगी पाइथन अगर आपने किया तो पाइथन का भी हर यानी हर एनवायरनमेंट में आपको अपनी मशीन पे कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है कॉन्फिग्रेशन करनी पड़ती है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की समटाइम और स्पेसिफिक समटाइम वर्जन इंस्टॉल करने पड़ते हैं जावा का एट वर्जन इंस्टॉल करो टेन करो अलेवन करो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं और फिर आपकी एप्लीकेशन चलती है और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अच्छा आप पैसे कीजिए आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आप उस कंसेप्ट में क्या करेंगे कि अपनी एप्लीकेशन के साथ जितनी भी डिपेंडेंसीज आप समझते हैं रन टाइम की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी एक फोल्डर में रखेंगे ठीक है आप फोल्डर में रख देंगे जी ये जावा का ये इन्वायरमेंट है ये जावा का रन टाइम है ये मेरा कोड है ये मेरी एग्जी है वो पूरा फोल्डर मुझे दे देंगे मैं उधर से डबल क्लिक करूंगा एक आइकन पे और मेरी एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाएगी तो क्या ये आसान नहीं होगा इस तरह करना क्या ख्याल है आपके हाल में यानी अगर एक फोल्डर बना दिया जाए

एक ही जगह पे रख दिए हैं और आई बिलीव एप्लीकेशन को एंड रनिंग स्टेट में लेके आने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है और डिफरेंट डिपेंडेंसीज चीज इंस्टॉलेशन वगैरह उससे बच सकते हैं बिल्कुल सही बिल्कुल सही और अगर आपको यही मैं कहूँ कि जी जो आपने फोल्डर दिया है अगर डिप्लॉयमेंट करनी हो तो डिप्लॉयमेंट किसी सर्वर पे होती है ना तो आपको डिप्लॉयमेंट उस सर्वर पे जाकर भी तो करनी पड़ेगी ना तो अगर नॉर्मली क्या होता है कि आप सर्वर पे कहते हैं अच्छा जी पहले ये इंस्टॉल करो फिर ये इंस्टॉल करो फिर ये इंस्टॉल करो ये पैकेज इंस्टॉल करो लाइनस का ये ये चीज इंस्टॉल करो अब आप कह रहे हैं यार कोई मुझे नहीं कंसर्न ही नहीं है कि तुम्हारी मशीन पे क्या है मुझे ये कंसर्न ही नहीं है ये फोल्डर पकड़ना उस मशीन पे जाके रखना डबल क्लिक करना एक कमांड चलाना ये तुम्हारा एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाएगी क्योंकि मैंने सारी सारी डिपेंडेंसीज जो इस एप्लीकेशन को चलने के लिए चाहिए थी वो मैंने इस फोल्डर में रख दी है पहले के पहले ठीक है, है यानी या के person, आप, अब ये फायदा क्या हो रहा है? कि वो इंस्टॉल है, है कि नहीं, नहीं है मेरी मशीन पे तो चल रहा था तुम्हारी मशीन पे क्यों नहीं चल रहा समझ so, रहे वो सारे मसले ही खत्म हो गए क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इस फोल्डर में सब कुछ पड़ा हुआ है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रोम इंस्टॉल है या नहीं है तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल है है कि नहीं ये मैटर नहीं करता ये फोल्डर फोल्डर पकड़ोगे सारा कुछ इस फोल्डर के अंदर है जो इसको चलने के लिए चाहिए इस फोल्डर को चलाओगे ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन चल जाएगी ये गारंटी मिल गई इस चीज की ठीक है तो इससे आपकी डिप्लॉयमेंट भी इजी हो गई आपको दूसरे को देना भी इजी हो गया अब ये हैडी खत्म हो गई कि जहां पे इसने जाके चलना है वहां पे क्या पड़ा है जब ये हेडिंग खत्म हो गई तो आपकी डिप्लॉयमेंट सीमलेस हो गई अब आपको डिप्लॉयमेंट करने के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उस मशीन पे जाओ उस फोल्डर में जाओ वहां पे ये रखो वहां पे ये सेटिंग करो अच्छा मैं डिप्लॉयमेंट का वर्ड इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं और मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी का डिप्लॉयमेंट का कितना एक्सपीरियंस है लेकिन ये ज्यादा सेंस इसकी जो मैं बातें कर रहा हूँ डिप्लॉयमेंट की सेंस में समझ आती है जब हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती तो है तो बहुत सारी मुश्किल होती हैं इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप अपनी मशीन पे जब कुछ चीज़ चलाते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं तो आप उसी को डिप्लॉयमेंट का परसपेक्टिव ले सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट वाले स्नेरियो में भी ऐसे ही होता है कि आपको सर्वर पर जाकर कुछ ना कुछ सेटिंग करनी पड़ती है इंस्टॉल करना पड़ता है वो कॉन्फिग्यूशन चेंज करनी पड़ती है और सिर्फ ये वजह कि मेरे सर्वर पे मैंने सेटिंग की है कोई और आके डिप्लॉयमेंट करेगा हम अपने डिप्लॉयमेंट के सर्वर वी एम्स भी अलहदा रखते हैं कि अच्छा ये वी हमारी है दूसरा आगे इस पर चेंजिंग ना कर दे कोई चीज ना ला दे और हमारी सेटिंग ना हिल जाए लेकिन इस मॉडल में क्या कह रहे हैं कंटेनराइजेशन के मॉडल में क्या कह रहे हैं कि आपने एक डब्बा बना के एक ब्लैक बॉक्स क्रिएट करके एक जिप फाइल क्रिएट करके एक फोल्डर बना के सारा कुछ उसके अंदर डाल दिया है और वो फोल्डर दे देना है आपने किसी को भी दे देना है किसी दोस्त को दे देना है किसी अः सर्वर वाले बंदे को दे देना है कि इसको चला दो रख दो बस रख वो रख देगा जाके और आगे काम चलना शुरू हो जाएगा ठीक है सो दैट्स द पॉइंट ऑफ कंटेनराइजेशन ठीक है तो जो मैंने दो बातें दो तरह से आपको समझाने समझाने की की कोशिश कोशिश एक मैंने किया इधर से कि आपके पास जो वीएम वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए फायदा भी देता है लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है और दूसरा मैंने बताया कि अगर आप वीएम के अंदर से ये चीजें निकाल दें एक्स्ट्रा वाली और लाइट वेट कर दें तो वो हमें किस तरह बेनिफिट देगा और सेकंड मैंने आपको समझाया कि इसका बेनिफिट क्या है

बना के दे देंगे और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे उसके पास वो रिक्वायर्ड जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल है या नहीं है जी, तो वो क्या मतलब उसी में ही वो जो सॉफ्टवेयर है वो प्री इंस्टॉल करके दे देंगे जिस तरह का सीन है बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सो so, हम वो तमाम सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो हम इस कंटेनर के अंदर प्री इंस्टॉल करके रख देंगे वो प्री इंस्टॉल का वर्ड जो है ना वो थोड़ा सा लाइनिंग uh, में डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट यही जो आपने बोला है ठीक है वो तमाम कंपोनेंट्स आपको Apache चाहिए आपको, आप दे दे। आपको नोट आप तो आप इस, दे देंगे ओके okay, बाकी फिर वो अगेन आपको लगता है आपको लगता है कि मुझे इसके साथ ये पैकेज चाहिए वो आप सब कुछ डाल देंगे इसके अंदर ताकि ये मैं कंटेनर जो है ना ये वाला डब्बा ना दस साल बाद भी चलाऊं तो चले समझ रहे बीस साल बाद भी चलाऊं तो चले ये हमारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे एवरी थिंग इज पार्ट ऑफ दिस सो इसको एक साल बाद चलाऊ छः साल बाद चलाऊँ ये चलेगा तब भी डब्बा ठीक है चले जाए आगे ओके जी गुड है ना लेट गो बैक टू दो दिस दिस वॉज दर्चुअलाइजेशन डिस्कशन अब आगे बात करते हैं कि डॉकर क्या चीज़ है क्योंकि अपने नाम बड़ा सुना हुआ है डॉकर uh, के कुछ दो तीन मीनिंग है एक है डॉकर इन कारपोरेशन वो कंपनी जो ये जिसने हमें डॉक्कर का आइडिया दिया है और डॉकर का बेसिक प्लेटफॉर्म दिया है और दूसरा डॉकर खुद है जो कि हमारे पास एक समझ लें कि प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के कॉम्पोनेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और एक हम नॉर्मल डॉकर का वर्ड जब यूज करते हैं तो डॉकर सी एल आई होती है ठीक है अभी हम जिसको इस्तेमाल करेंगे और जो डॉकर जो आपका प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कॉम्पोनेट्स हैं ये बेसिकली आपको वर्चुअलाइजेशन ही देता है और वर्चुअलाइजेशन कैसे देता है वीएम्स की बजाय हम पैकेजेस क्रिएट करते हैं जिनको हम कंटेनर्स कहते हैं जो मैंने सारी पहले आपको बैकग्राउंड अभी कहानी समझाई है और ये गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है गूगल की लैंग्वेज है गो लैंग गो लैंग्वेज उसमें लिखा हुआ है सारे का सारा अगर मैं क्विकली आपको कॉम्पोन दिखाना चाहूँ थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन लेट सी <coughs> तो वो क्या है हमारे पास इसके अंदर एक डॉकर सी एल आई होती है कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं हम जिस तरह आपके पास गिट की एक सी एल आई है और एक इसका डॉकर का एक सर्वर होता है जिसको हम कहते हैं डॉकर डेमन कहते हैं आप सी एल आई पे जब कमांड देंगे वो कमांड बेसिकली पास होंगी इस डॉकर डेमन को यानी आप यहाँ पे कोई कमांड देंगे वो कमांड कहाँ जाएगी इस सर्वर को जाएगी कैसे जाएगी रेस्ट एपीआई यानी इस सर्वर ने एक रेस्ट एपीआई एक्सपोज की हुई है जो यहाँ से कॉल करती है अच्छा ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं है जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अगर आप एडवांस करना चाहें तो जा सकते हैं इनके अंदर कि कैसे रेस्ट एपीआई काम करती है मैं कैसे बात कर सकता हूँ एंड सोन बट जस्ट टू गेट क्यू का आइडिया उसके अलावा दो कॉन्सेप्ट हैं एक इमेज का है एक कंटेनर का है, तो तो आपको सारा समझा दिया कंटेनर क्या है समझ लें फोल्डर मैंने आपको दिया ना जिप करके जो भी रनिंग स्टेट में नहीं है उसको हम इमेज कहते हैं और जो फोल्डर रनिंग जब मैं उसको रन करूंगा के जी अब चल पड़ो तो वो कंटेनर कहलाएगा इन शॉर्ट अभी समझ लें ठीक है इमेज इज वो फोल्डर जिसके अंदर मैंने सारी कॉन्फिग्रेशन टाइम डाल दिया इंस्टॉल करके दे दिया आपको वो मेरे पास एक वो कहलाएगा इमेज और जो जब वो रनिंग स्टेट में होगा तो उसको कहेंगे कंटेनर इसके अलावा दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं डाटा वॉल्यूम्स का और नेटवर्क का जिसको हम डिस्कस भी करेंगे आगे जाके तसली तो से ठीक है तो ये थोड़ी सी तस्वीर तो में रख लें तो वो जो बात कर रहा था कि आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो आप बेसिकली एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं टेक्सट फाइल होती है टेक्सट फाइल उसमें लिखते हैं अच्छा जी मुझे नोड इंस्टॉल करना है मुझे ये चीज इंस्टॉल करनी है अच्छा यहाँ कॉपी करो फोल्डर बनाने के लिए ना फोल्डर बनाने के लिए आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसके अंदर और जब अब वो इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं फिर एक कमांड होती है बिल्ड की उसको हम चलाते हैं तो आपके पास फोल्डर यानी एक जिप फाइल बन जाती है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं फोल्डर का वर्ड आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ ठीक है परेशान नहीं होना तो हम एक इमेज uh, क्रिएट कर लेते हैं अब बाद में फिर आप कहते हैं इसको रन करो तो ये इमेज बेसिकली जब रनिंग स्टेट में आती है एक प्रोसेस बनता है उसको हम कहते हैं कंटेनर ठीक है अदरवाइज एक फोल्डर है एक जिप फाइल है जब मैं कहूंगा इसको रन करो तो ये एक प्रोसेस बन जाएगा मेमोरी में जगह लेगा अपने जैसे नॉर्मल प्रोसेस होते हैं तो वो कंटेनर कहलाता है एनी क्वेश्चन मुझे पता ये है ये चीजें थोड़ी सी भी थ्योरी है प्रैक्टिकल हम देखेंगे सो फार सो गुड ओके अच्छा ये एक थोड़ा सा और हाई लेवल ओवरव्यू है जहन में रखने के लिए ताकि चीज क्लियर हो जाए ये उसी को ही थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है तो जिस तरह आप काम करते हैं ना गिट में अब मैंने बोला कि अच्छा मैंने आपको बताया कि ये इमेज जिप फाइल होंगी तो अब आपके पास मैंने अपना एक प्रोजेक्ट मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर है उसको उसके लिए मैंने ये इमेज फाइल बना दी जिप फाइल बना दी जिसके अंदर मेरी डॉट नेट की एप्लीकेशन है डॉट नेट का रन टाइम है तो मैं आपको दूंगा कैसे कैसे कहूंगा मैं अपनी सर्वर टीम को कि अच्छा जी ये वाली जो है ना फाइल डाउनलोड करो ये जिप फाइल डाउनलोड करो उसको इसको रन कर दो कैसे दूंगा मैं और यहाँ मैंने अगर मिसाल के तौर पे मुझे लगा कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है आप लोगों के यूज के लिए नोड की एप्लीकेशन बनाई है ताकि आप, आप काम कर सके तो आपको कैसे दूंगा ठीक है इन जनरल पब्लिक कैसे दूंगा तो जैसे आपके पास गिट हब है ना एक गिट हब एक गिट की हब है पब्लिक रिपोजिटरीज की प्राइवेट रिपोजिटरीज की ऐसे इन इमेज की भी हब है उसे हम कहते हैं डॉकर हब तो आपके पास एक डॉकर हब है जहां पे लोग अपनी इमेजेस अपलोड करते हैं पब्लिक भी प्राइवेट भी और वो इमेजेस फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है सो इसको मैं क्योंकि एक्सप्लेन क्यों करता हूँ फिर दोबारा इस पर आएंगे तो जो ये रजिस्ट्री कहलाती है जहां पे आपकी इमेजेस पड़ी हुई हैं वो लोकल भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में भी और पब्लिक भी हो सकती है जिनमें एक डॉकर हब है फिर माइक्रोसॉफ्ट की अपनी है आई भी अपनी बना रहा है तो ये रजिस्ट्री जहाँ पे इमेजेस पड़ी होंगी काम कैसे करते हैं आप ये देखें आप अपनी इमेजेस मैं बोलूंगा ये मेरा वो है डॉकर डेमन मैं कमांड दूंगा बिल्ड की या पुल की ये डॉकर डेमन के पास कमांड आएगी डॉकर डेमन चेक करेगा कि जिस इमेज की बात की जा रही है क्या मेरी लोकल कैशे में ये इमेज पड़ी है कि नहीं पड़ी अगर लोकल कैशे में इमेज नहीं होगी तो ये जाएगा डॉकर हब से जाके जो भी रजिस्ट्री वहां से इमेज डाउनलोड करेगा और उस इमेज को रन कर देगा जब रन करेगा तो क्या बोलेंगे उसको कंटेनर बोलेंगे ठीक है तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि जी ये वाली इमेज है नोड ऐप की इसको रन करो कैसे कहेंगे आप कहेंगे डॉकर पुल या डॉकर रन कहेंगे किसको जाएगी डॉकर डेमन को डॉकर डेमन क्या करेगा अपनी लोकल कैश में में देखेगा क्या मेरे पास ये इमेज है? इमेज है है मीन फाइल ठीक रखना आपने जिसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है एवरी नहीं होगी रजिस्ट्री पे जाएगा वहां नहीं होगी तो एलर्ट दे देगा मिल जाएगी तो डाउनलोड करेगा उस इमेज को और उसके बाद उसको रन कर देगा उस इमेज की रनिंग स्टेट को हम कंटेनर कहते हैं जो प्रोसेस होता है ठीक है इमेज कोई प्रोसेस नहीं है ये सिर्फ मेमोरी में एक फाइल है जब इसको रन करते हैं तो फिर ये कंटेनर स्टेट में आ जाती है इसे कंटेनर बोलते हैं तो ये इमेजेस और कंटेनर के वर्ड बार बार आने हैं बार बार आने हैं इसलिए मैंने दो दो, दो दो रिपीट कर दिया कोई वैसे क्यों क्वेश्चन है इसके अंदर ओवरव्यू के वाइज अगर आपसे कहा जाए कि जो मैंने बात अभी की है सिंपल सी ये रजिस्ट्री है, है यहाँ इमेजेस पड़ी होती हैं डाउनलोड करते हैं और फिर रन करते हैं इसमें क्वेश्चन है ओके ठीक है तो ये जो पहले बात की थी थोड़ी सी इसको आप ज़रा वापस आ जाते हैं वर्चुअल मशीन वाले कंसेप्ट में क्या होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हाइपरवाइजर होता है जैसे वर्चुअल बॉक्स है और फिर आपकी वी एम्स टैलरी होती हैं और वी एम्स के अंदर कोई ना कोई ओ एस होता है और फिर आगे आपकी चीज़ें होती हैं एप्लीकेशन बाइनरीज ओ एस होता है एप्लीकेशन बाइनरीज होती हैं जबकि कंटेनर वाले केस में क्या होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक कंटेनर इंजन होगा जो मैंने अभी आपको बताया जिस तरह डॉकर एक कंटेनर इंजन है डॉकर के अलावा और भी हैं वैसे तो कंटेनर इंजन होगा और बेसिकली आपकी जो बॉक्सेस हैं या कंटेनर्स हैं वो इसके ऊपर चल रहे होंगे ठीक है बाइनरी जो उनको चाहिए वो इसके ऊपर होंगी अगर कोई बाइनरी जो ऐसी बाइनरीज हैं जो कि स्टैंडर्डाइज हैं जनरल हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से वो ले लेगा ले शेयर कर लेगा अच्छा यहाँ पे पहला स्टेप जो है ना यही कंफ्यूजिंग है इसको मैं दो मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ और आप इसी वजह से ही डॉकर से भागेंगे या स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट नहीं होगा वो क्या है अब तो बहुत इंप्रूव हो गया है जो डॉकर इनिशियली आया था वो लाइनिक्स के लिए आया था यानी डॉकर के डॉक्कर जाएंगे ना वापस थोड़े हजार से पहले अगर टाइम लाइन में वापस जाएँ तो डॉकर लाइनिंगस के लिए आया था और हम में से मोस्टली लोग लाइनिंगस के यूजर नहीं है ना ही हम शुरू करते हैं लाइनिंग से अपना काम हम विंडोज से शुरू करते हैं विंडोज से पढ़ते हैं विंडोज सीखते हैं विंडोज की डेवलपमेंट ही सीखते हैं तो लाइनिक्स के यूजर नहीं है तो इसलिए हमें थोड़ा सा अजीब लगता है वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता या हमें कन्विंसिंग नहीं लगता शुरू शुरू में तो ये लाइनिक्स के लिए आया था इसके अलावा कोई लाइनिंग की मशीन चाहिए कोई वी चाहिए जिसके ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर सकें और इसे प्ले कर सकें तो ठीक है अगर आपने डॉक्टर फॉर लाइनिंग यूज करना है तो अपनी मशीन पे लाइनिंग इंस्टॉल कर लें एक वीएम इंस्टॉल कर लें लाइनिंग की या इवन ऑनलाइन बड़े हैं कि विदाउट डूइंग एनी इंस्टॉलेशन आप उन साइट्स पे जाते हैं मैं शेयर कर दूंगा आपसे लिंक और आप वहां पे जाके डॉकर सीख सकते हैं दो वर्जन है लाइनिंग इसके वाले की डॉकर कम्युनिटी एडिशन है और एंटरप्राइज है तो यू कैन अंडरस्टैंड कम्युनिटी वाला फ्री है एंटरप्राइज वाला

तो ये आपको सारे टूल्स दे देगा जिससे आप डॉकर डेवलपमेंट डॉकर सीख सकते हैं डॉकर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं ये आपको सारे टूल्स दे देगा ये जो है कुछ रिक्वायरमेंट है एसकेट्स हैं कि आपकी बायोज में ये इनेबल होना चाहिए और अगर आपने इसके अंदर विंडोज कंटेनर की बात करनी है एक और मैं टर्म बोल रहा हूँ कन्फ्यूजिंग तो वो बेसिकली उसके लिए क्या चाहिए आपको हाइपर वी इंस्टॉल करना पड़ता है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा सर्वर की कैटेगरी में विंडोज सर्वर टू प्लस में ये अवेलेबल है आप कर सकते हैं और फिर मैक के लिए भी डॉक्टर डेस्टॉक फॉर मैक अवेलेबल है मैं यहाँ एक पॉइंट और हाईलाइट कर दूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे लाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये कि आपके पास जो कंटेनर का इंजन है वो नेटिवली नेटिवली लाइनिंग के लिए था यानी लाइनिंग्स के लिए था जो था इसलिए जब ऊपर एप्लीकेशन चलाते थे ना वो लाइनिंग की चलती हैं एप्लीकेशन मतलब अगर मैंने ये कहा है कि ये एप्लीकेशन ओएस को इस्तेमाल कर सकती हैं तो यहाँ पर मैं डॉट नेट की एप्लीकेशन नहीं चला सकता क्योंकि डॉट नेट फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन पे नहीं चलती वो सिर्फ विंडोज पे चलती है तो इसका मतलब ये ये है है कि जो जो एप्लीकेशन ऊपर चल चल रहा है न, चल रहा ना कंटेनर कंटेनर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कर्नल को इस्तेमाल करता है तो अगर ये नीचे वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लाइनिंग है तो ऊपर कंटेनर भी ऐसा होना चाहिए जो लाइनिंग पे चल सकता हो ठीक है क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है तो नेटिवली के कंटेनर बनते थे जिन्हें आप Linux पे ही डेवलपमेंट कर सकते थे लाइनिंग का ही डॉकर का इंजन था जो कंटेनर तो वो भी Linux पे ही चलता था बिकॉज लाइनिंग करना था लेकिन अब विंडोज कंटेनर भी एग्जिस्ट करते हैं तो जब मैं बोलूंगा विंडोज कंटेनर का मतलब क्या होगा ऐसा कंटेनर जो विंडोज के कर्नल को इस्तेमाल करता है नीचे तो वो विंडोज पे चलेगा लाजी बात है वो विंडोज पे चलेगा और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करेगा उन्हें हम विंडोज कंटेनर बोलते हैं ठीक है अगेन अगर जो डेवलपमेंट का साइकिल है हमें जो सीखने जा रहे हैं डॉकर कमांड सीखेंगे वो सारी सेम है उन दोनों में फर्क नहीं है लेकिन ये फर्क अपने जहन में रखना है ठीक है ओके जी जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम काम स्टार्ट करेंगे लेकिन कुछ मैं पहले बातें एक मिनट में बता दूं आपको वो क्या है इसमें ना कमांड लाइन इंटरफेसी का काम है मोस्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ये सी के थ्रू ही काम करना पड़ता है और करना चाहिए आल जो मैं डॉक्कर डेस्कटॉप बता रहा हूँ उसके अंदर यू भी है लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको बेहतर यही है कि आप सीएलआई के थ्रू कमांड कमांड्स भी चलाएंगे हम वो कमांड सी एल के थ्रू चलाएं तो आपको बेसिक इंट्रस्ट होना चाहिए सीएलआई के अंदर बेसिक अगर लाइनिस का नॉलेज भी हो तो बहुत अच्छी बात है अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं होगी ये मैंने बात बड़ी रिपीटेडली एक्सप्लेन की है कि कंटेनर क्या है एक सैंड बॉक्स में काम करते हैं एक ब्लैक बॉक्स में काम करते हैं वीएम की तरह तो जो कंटेनर के अंदर चीजें हो रही होती हैं वो बाहर एक्सपोज नहीं होती तो एक्सपोज करने के लिए आपको फिर या तो जो पोर्ट्स अंदर चल रही हैं क्योंकि वो एक ब्लैक बॉक्स में चल रहा है ना अंदर आके एप्लीकेशन किसी पोर्ट पे चल रही है तो बाहर की दुनिया को पता नहीं होगा ना बाहर की दुनिया इस्तेमाल कर सकती है तो फिर आपको खुद पोर्ट अपनी एक्सपोज करनी पड़ती है जब आप डॉक्टर सीखते हैं तो ये एक चीज कंफ्यूज करती है जिसको मैंने लिख दिया है ताकि आपको ये जहन में रहे कि मुझे पोर्ट को एक्सपोज करना है मुझे पोर्ट को एक्सपोज करना है दूसरी चीज जो भी कंटेनर चल रहा होता है ना जब कंटेनर को रन करते हैं तो कंटेनर में अगर आपने कोई मसाल एप्लीकेशन चलाई और वो डाटा स्टोर कर रही है कहीं फाइल में या कहीं पे वो सारा टम्प्रेरी होता है जो ही कंटेनर को आप रिमूव करेंगे वो डाटा भी रिमूव हो जाएगा ठीक है ये दूसरा पॉइंट है जो कंटेनर सीखते वक्त कंफ्यूज कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मेरा डाटा कहाँ गया डाटा कैसे मैं सेव करूंगा अपना मैंने तो अपनी एप्लीकेशन में फाइलें अपलोड करनी होती है वो कहाँ अपलोड होंगी लॉग बनाना वो कहाँ जाएगा कंटेनर रिमूव करूंगा तो काम खत्म हो जाएगा ये क्या बात हुई तो उसके लिए हम वॉल्यूम्स को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सीखेंगे और तीसरी चीज जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग आनी चाहिए कंटेनर में काम करते वक्त नेटवर्किंग तंग करती है कि मेरी एप्लीकेशन दूसरी को पिंग नहीं कर पा रही वो किस तरह बात करेगी वो कैसे बात करेगी तो ये एक चीज़ है जो कि हमने सीखनी भी है लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपके जिन में पॉइंट्स होने चाहिए ये इंपॉर्टेंट uh, है जी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक अदरवाइज मैं अब डेमोज की तरफ जाने लगा <coughs> कोई क्वेश्चन है जी ओके लेट्स डू इट कैसे करते हैं इसको हम जब आप डॉकर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास जो आ, कमांड आ जाती है वो डॉकर की कमांड होती है पहला काम आपने ये करना है चेक करना है कि डॉकर को चेक करें डॉकर आया है कि नहीं आया तो आप डॉकर वर्जन की कमांड चला के वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई वर्जन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको अगर डॉकर का वर्जन आ रहा है इट मीन्स कि डॉकर हमारा अवेलेबल हो गया है ठीक है अच्छा अब उसके बाद जो पहली कमांड हमारे पास है वो है जी पुल की कमांड तो जैसे आप गिट पे काम करते हैं तो एक रिपोर्टिटिव को पुल करते हैं ना ऐसे अब मैंने अगर कोई इमेज लोगों ने बहुत सारी इमेजेस बना के आपको दे दी है नेट पे रखी हुई है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपको हर चीज स्क्रैच से नहीं करनी वो जो फोल्डर बनाने की बात कर रहा था ना मैं कि जी फोल्डर में आप इंस्टॉल करेंगे सारा कुछ तो वो फोल्डर में जो जो चीजें आपको चाहिए ना वो लोगों ने बना के नेट पे रखी हुई है आप फोल्डर नेट से एक डाउनलोड करते हैं फाइल और फोल्डर में रखते हैं और अपनी चीजें ऊपर रखते हैं उस फोल्डर के और दे देते दे हैं किसी को जी इस्तेमाल करो तो आपको सारी हेडिक लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे अब आई एस चाहिए आई एस कहाँ से मिलेगा आई एस में क्या होना चाहिए डॉट नेट फ्रेन तो वो इमेजेस बनी हुई है जिनको आप इस्तेमाल कर लेते हैं और अभी हम बहुत सारी इमेजेस इस्तेमाल करेंगे ऐसी कि अगर मैंने माई एस को अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना है थ्रू डॉकर तो वो कैसे करूंगा एक इमेज ढूंढेंगे नेट से हम और उसको कहेंगे जी पुल करो वो इमेज आ जाएगी रन कहेंगे माइस को चलना शुरू हो जाएगा मुझे अपनी मशीन पे कुछ चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है उस चीज की सो स्टार्ट विद इंजन इंजन एक्स एक्स एक वेब सर्वर है अपाची की तरह का आपने नाम सुना हुआ है नहीं सुना हुआ कोई मसला नहीं है लेट स्टार्ट तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉकर पुल आगे मैं अपने उस इमेज का नाम दूंगा इंजन एक्स उसका नाम होता है और इसके आगे हम कोलन के बाद टैग देते हैं टैग का मतलब ये होता है कि अगर अब इंजन एक्स की मतलब नए नए वर्जन आ रहे हैं ना इंजन एक्स में कुछ उन्होंने दो दिन बाद चेंज किया तो वो इसको टैग लगा देते हैं कोई ना कोई टैग दे देते हैं तो आप वो टैग देते हैं अगर आप टैग नहीं देंगे तो लेटेस्ट के नाम से एक टैग होता है वो वाला वो डाउनलोड कर लेगा इमेज ठीक है तो मैं खुद लिख दूं या ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट करेगा अब क्या करेगा जब मैं पुल की कमांड दे रहा हूं तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर रहा हूं ठीक है इमेज वही जो आपके जिप फाइल बैठी हुई है उसको डाउनलोड कर रहा हूँ

और आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं सारे काम जो मैं अभी सी आर पे करूंगा लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इधर से आगे वो काम करें ठीक है ओके okay, मैं अब यहाँ जाता हूँ वापस ये मैं इंटर करूंगा ये चेक करेगा क्या मेरे पास ये वाली इमेज ये वाली इंजन एक्स की इमेज लोकल कैश में पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई अगर ये पड़ी होगी तो ये उधर से इस्तेमाल कर लेगा और अगर ये नहीं पड़ी होगी तो ये हो तो नेट से जैसा अभी डाउनलोड रहा है डाउनलोड कर लेगा ठीक है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इंजन एक्स का इट सीम्स लाइक like लेटेस्ट वर्जन वहाँ पे आया हुआ है जो मेरे पास था वो पुराना था उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया होगा इसलिए वो वर्जन आया हुआ है तो इसको डाउनलोड होने देते हैं मीनो क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो बताएं मुझे ज़रा और साथ में कुछ आपको कमांड्स जो है वो एक्सप्लोर कर देता है इसको डाउनलोड होने देते हैं और साथ में कुछ आपको डॉकर के कमांड और दे देता हूँ बता देता हूँ तो डॉकर की फॉर एग्जाम्पल एक और कमांड है जिससे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी इमेजेस हैं तो मैं डॉकर इमेजेस कर सकता हूं तो जितनी मेरे पास इमेजेस होंगी जो डाउनलोड पहले हुई हुई हैं वो मुझे नजर आ जाएंगी तो इमेज किस तरह होती है उसका कोई ना कोई नाम होता है ठीक है जिस तरह ये देखिए नाम है इमेज के फिर कोई ना कोई टैग होता है ठीक है इमेज का और फिर इमेज का अपना एक यूनिक आईडी होता है जब वो क्रिएट की हो वो आता है और फिर उस इमेज का यानी उस स्लिप फोल्डर का कोई ना कोई साइज होता है जिसका ना ये नाइनटी एम है टू हंड्रेड एम है तो ये देखे सिक्स फोर्टी वन है ये इस इस वाली का आ, साइज है तो क्योंकि इसमें सब कुछ डाल दिया ना आपने इसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है रन टाइम पड़ा हुआ, जो जो सारे हुआ है है जो सारी सारी की पड़ी हुई इसके अंदर तो डॉकर इमेज से आ जाती हैं अगर आप डॉकर डॉक्कर करेंगे, एल एस करेंगे तब भी आ जाएंगी चीजें ठीक है डॉकर कंटेनर की कमांड है डॉकर कंटेनर एल करेंगे तो जो रनिंग कंटेनर होंगे आपको वो नजर आ जाएंगे जैसे ये कंटेनर भी चल रहा है माई टी के नाम से कंटेनर चल रहा है रनिंग स्टेट में अगर मैंने सारे कंटेनर देखने हो जो कि स्टॉप स्टेट में भी हों तो आप डैश ए करते हैं तो आपको वो कंटेनर बनाते हैं जो स्टॉप स्टेट में भी होते हैं ठीक है जिस तरह अभी मैंने ये सेंट ओ एस का कंटेनर चलाया हुआ है सेंट ओ एस रेटिंग सिस्टम में कंटेनर में चलाया हुआ है ठीक है और अगर मैंने किसी कंटेनर को स्टॉप करना हो जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे एक कंटेनर है डॉकर कंटेनर एल एस इसको स्टॉप करना हो तो मेरे पास डॉकर स्टॉप की कमांड भी अवेलेबल है मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ और आगे मैं दे दूंगा वन एफ उसका जो भी अगर नाम मुझे पता चल रहा है यहाँ पे नाम आ रहा है वो दे दूंगा या मैं ये कंटेनर आईडी पहले चार्जर दे दूं तब भी वो कंटेनर का मैं मेंशन कर दूंगा ओके okay जी ये मीन इधर आते हैं तो ये देखें ये मेरे पास अब क्या है पुल कंप्लीट हो गया और ये डाउनलोड डौन, हो गया है अगर आप मैंने इसको चलाना है तो मैं कैसे चलाऊंगा उसके लिए मेरे पास रन की कमांड अवेलेबल है ठीक है मैं क्या लिखूंगा जी डॉकर रन आगे मैं अपने कंटेनर का नाम लिखूंगा सिंपल जो भी नाम है लेटेस्ट अच्छा अगर मैं खाली ये कमांड देता रन की और ये उसको इमेज ना मिलती ये वाली इमेज तो वो पहले पुल करता और फिर रन कर देता अच्छा जब मैं इसको इस तरह रन करूंगा ना तो मेरे पास ये रन तो हो जाएगा लेकिन ये किसी काम का नहीं होगा उसकी रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं चलाता हूँ इसको ये चल गया ठीक है रेडी फॉर स्टार्टअप लेकिन ये किसी काम का नहीं है अभी क्योंकि ये Ingenx पे मैंने बताया था नहीं की तो ये किसी काम नहीं ये वैब, वैब सर्वर है जो कि एक पोर्ट पे लिसन कर रहा है ठीक है मिसाल तौर तो पर बाई डिफॉल्ट एटी पोर्ट पे लिसन कर रहा होता है लेकिन अभी ये बाहर की वर्ल्ड के लिए ब्लैक बॉक्स चल रहा है मेरी मशीन के ऊपर ये बाहर की वर्ल्ड के लिए एक्सपोज नहीं है तो इस तरह कमांड चलाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ पहले मैं देखू कि LS में ये कंटेनर मेरा चल चुका हुआ है ना इसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा तो मैं कहता हूँ डॉकर कंटेनर स्टॉप और इसका नाम दे देते हैं अगर आप नाम खुद नहीं देंगे जैसे मैंने नाम नहीं दिया तो, तो देखिए अजीब सा नाम आ जाएगा तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एफ डी सी डी ये स्टॉप हो गया तो करना के चाहिए मुझे मुझे कुछ काम ये मैं इसलिए इस बात पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉमन आनी है आप ये चीज़ें भूल ली हैं बार बार नाम देना भी भूलेंगे और पोर्ट देना भी भूलेंगे आप बार बार ठीक है तो अब मैं जो काम करने लगा थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन यही ही असल में जो है चीज़ लर्निंग है जो आपने प्रैक्टिस से सीखनी है अच्छा मैं इसको रन करूंगा लेकिन मैं नाम भी दूंगा ताकि मेरे जो वेब सर्वर चल रहा है कोई नाम हो मुझे पता होगा मैंने किस नाम से चलाया और मैं उसको स्टॉप कर सकूँ उस नाम से या रिमूव कर सकूँ ठीक है जी मैंने रन किया कह दिया इसको वेब सर्वर आगे अगर मैंने पोर्ट देनी हो तो मैं पी का फ्लैग यूज करूंगा और आप बताते हैं कि किस पोर्ट पे एक्सपोज करो मैं कहता हूं जी जो अंदर वाली पोर्ट है ना एटी उसको इस पे करो अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए कि मुझे कैसे पता है कि इसके अंदर पोर्ट एटी चल रही है या मैं जो भी इस तरह की चीजें करूंगा आगे मजीद और वो कैसे पता चलेगा आपको वो आपको उस इमेज की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी जिसने वो इमेज बनाई थी ना उसने उस फोल्डर के उस इमेज के इमेज से क्या क्या एक्सपोज किया हुआ है कौन कौन से अंदर वेरिएबल रखे हुए जो कि हमें बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको इमेज के डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी तो अगर हम इंजनक्स ने की साइट पे जाएं डॉकर हब हाँ पे तो हमें ये डिटेल वहां मिलती है कि ए वाली पोर्ट पे अंदर काम चल रहा है अब अगर मैं आगे चलता हूँ और कहता हूँ जी की अच्छा इसके बाद मैं एक और काम करने लगा हूँ ये डैश डी का फ्लैग लगाने लगा जो कि बाद में मैं इसको कर दूंगा एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन अभी मैं इसको डैश डी लगाता हूँ फिर आगे अपनी इमेज का नाम देता हूँ इसको चलाते हैं ये मेरे पास कंटेनर चल गया अब अगर मैं डॉकर कंटेनर करता हूँ एल तो मुझे नजर आना चाहिए कि मेरा एक कंटेनर जिसका नाम माई वेब सर्वर है ये देखें और ये अभी अप स्टेट में है और इसका कोई एंट्री पॉइंट है ये बाद में डिस्कस करते हैं ये इमेज का नाम है आईडी भी है और यहाँ पे बता रहा है कि ये अभी जो बाहर की एटी एटी पोर्ट है वो अंदर वाली 80 को कर रही है फॉरवर्ड हो रही है मैं जब 80 -80 तो वो इस कंटेनर के अंदर एटी में जाएगी अच्छा इस, इस में भी कर सकता हूँ तो, अगर समझ आ रही है तो गुड है एनी क्वेश्चन इन दिस अच्छा आगे चलते हैं अब मैं आपको ये हुआ क्या है ये वेब सर्वर चलाया है अब अगर मैं वेब सर्वर को जाता हूँ और यहाँ ब्राउजर में जाके इसको एक्सेस करता हूँ किस पोर्ट पे चलाया हमने जी ए टी पे तो अगर ब्राउजर में जाके मैं ए टी खोलता हूँ लोकल होस्ट ये देखिए इंजन एक्स का वेब सर्वर आ गया तो हुआ क्या है मैंने अपनी मशीन पे कोई इंजन एक्स इंस्टॉल नहीं किया एक इंजन एक्स के वेब सर्वर को सॉफ्टवेयर को मैंने एक कंटेनर में चलाया है अब वो कंटेनर में चल रहा है मेरी रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है मैं अपना काम कर सकता हूँ अब मेरा दिल कर रहा है कि मैंने इस तरह का एक और चलाना है कंटेनर अपनी मशीन पे दो इंजिनक्स आप इंस्टॉल नहीं कर सकते तो डिफरेंट नाम देके डिफरेंट पोर्ट दे के, पोर दे के एक और चला देता हूं। ले कोर इंजीन चल गया वो एक लदा इंजन एक्स चल रहा है ये लदा इंजन एक्स चल रहा है इसको अगर आप देखते हैं एटी एटी वन करता हूँ यहाँ पे ये यह ले वो भी चल रहा है दो इंजिनक्स चल गए तो आप इस तरह के जितने मर्जी चला लें आपके प्रोसेसेस है ये एप्लीकेशन के लिए बाहर प्रोसेसेस हैं अंदर जो भी उसको चल रहा है वो अंदर की कहानी है ठीक है अच्छा अब अगर मुझे करना है इसको सिंपली स्टॉप वगैरह देख लेते हैं कमांड जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है लेकिन अगर फिर भी ताकि ये चीजें आपके हाथ पे होनी चाहिए एल करता हूँ डॉकर कंटेनर स्टॉप करता हूँ माई वेब सर्वर डॉकर कंटेनर तो ये आप नोट कर सकते कितना लाइट वेट है इनको स्टॉप करना और इनको स्टार्ट करना कोई आपको वो मिनटों और घंटों की बात नहीं है कि जी आपका वेब सर्वर जो है वो स्टॉप हो रहा है या आ, क्या हो रहा है उसके अंदर ठीक है इसी तरह का स्टार्ट करना हो जैसे हमने स्टार्ट किया था ये देखिए मैं दोबारा का स्टार्ट करता हूँ दोबारा कहता हूँ जी मेरे पास ये चल जाए ये नहीं जी अच्छा वो इसलिए चला कि नाम पहले यूज़ हो रहा है तो मैं अच्छा अगर आपने एक कंटेनर बनाया था जिस तरह मैंने ये कंटेनर एक आ, किया है और वो कंटेनर मेरा स्टॉप स्टेट में चला गया है ठीक है कंटेनर रनिंग स्टेट में स्टॉप स्टेट में अगर आपने स्टॉप वाले कंटेनर को दोबारा चलाना हो तो फिर रन की कमांड यूज नहीं करते क्या कमांड यूज करते हैं डॉकर स्टार्ट माई वेब सर्वर जी ले जी तो आपके सारे पैरामीटर उसके साथ सेट हुए थे आपको वो पैरामीटर दोबारा देने की जरूरत नहीं है आपका कंटेनर उसी तरह उसी सूरत के अंदर ही दोबारा स्टार्ट हो गया है ये ले, एटीटी पे चल गया जी एनी क्वेश्चन प्लीज बताएं मुझे ठीक <coughs> है जी अब मैं कहता हूं मेरे कंटेनर मुझे नहीं चाहिए स्टॉप स्टेट में भी नहीं चाहिए तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं कैसे कहेंगे जी आप कहेंगे डॉकर कंटेनर आर एम और अगर डैश एफ का फ्लैग लगा देंगे तो ये फोर्सफुली यानी अगर वो चल रहा होगा तो स्टॉप करके फिर उसको रिमूव करेगा ठीक है तो मैं ये कंटेनर रिमूव कर देता हूँ मुझे ये नहीं चाहिए ठीक है ये ले और इसके अलावा जो है ये वाले भी रिमूव कर देते हैं फोर वन सिक्स एट और ये वाला भी रिमूव कर देते हैं टू टू नाइन एट जी बच्चों एनी क्वेश्चन इन दिस समझा रही बात की कि नहीं आ रही कोई अगर आप में से थर्टी सेकंड में यहाँ बताना चाहिए कि क्या समझ आइए क्या फायदा है इस चीज़ का भी जो मैंने ये लास्ट पॉइंट बताया है थोड़ा सा इन्वाल्व हो प्लीज नहीं चले ठीक है लेट मी कंटिन्यू अच्छा अब मैं कहता हूं कि जी आगे हमने ये करना है कि अब मैंने इसके अंदर अपना पेज बनाता हूं और इसको इस्तेमाल करता हूं तो मैं अब उस दोबारा चलता हूं दोबारा कंटेनर चलाता हूं अपना जो मेरा कंटेनर था ये मैं दोबारा कंटेनर चलाने लगा हूँ इंजन एक्स का अब ये जो कंटेनर चल रहा है ना ये है आपके लिए ब्लैक बॉक्स लेकिन ये इस तरह है कि जैसे एक वर्चुअल मशीन होती है ना वैसे ही है यानी आप इस कंटेनर के अंदर जा सकते हैं जब आप इस कंटेनर के अंदर जाएंगे ना तो जो जो इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है ना जो इसका स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर फाइलिंग सिस्टम सारा आपको नजर आ जाएगा ठीक है वो हम कैसे करते हैं उसके लिए हम इस कंटेनर से कनेक्ट करते हैं अगर मैं ये डैश डी डैश डी का मतलब ये होता है कि इस कंटेनर को चलाओ इन डिटेच्ड मोड तो डिटैच मोड में क्या होता है कि देखिए कंटेनर चल गया लेकिन मैं उस कंटेनर के अंदर नहीं गया हूं अपने शेल पे खड़ा हूं तो अगर आप इस तरह चलाएं और कंटेनर रनिंग स्टेट में आ जाए और आपने उस कंटेनर के अंदर जाना हो तो उसके डिफरेंट तरीके हैं जिनमें से एक तरीका ये है कि मैं डॉकर ई कमांड होती है वो चला के डैश आई मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है मेरे कंटेनर का नाम क्या है वाई वेब सर्वर और आगे मैं लिखता हूँ कि मैंने आई का मतलब है इंटरेक्टिव टर्मिनल यानी मैं इस वेब सर्वर के साथ इंटरेक्शन करना चाह रहा हूँ

उस जिप फोल्डर के अंदर जो फाइल सिस्टम है जो चीजें पड़ी हुई है मुझे वो नजर आ रही है अगर आप लोगों को लाइनिंग का आइडिया है तो ये बेसिकली लाइनिंग बेस्ड फाइल सिस्टम जो नजर आ रहा है आपको यहाँ पे ठीक है तो जो हमारे पास इंजन एक्स होता है इंजन एक्स हमें वो जो पेज दिखा रहा है डिफॉल्ट वो कहा से उठा के दिखा रहा है ये जो आपको वेलकम टू इंजन एक्स दिखा नजर आ रहा है इसका पाथ ये वाला है यानी इसका जो पाथ है वो बेसिकली ये है मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ सी डी यूजर शेयर इंजन एक्स एच डी एम वल अगर यहां पे जाके एल करते हैं तो यहां आपको इंडेक्स डॉट एच की फाइल नजर आ रही है अगर मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ एक और आपको दिखाने के लिए कि मैं यहाँ फाइल क्रिएट करूंगा तो क्या होगा तो कैट की कमांड यूज कर लेते हैं ए डॉट एच टी एम एल अब यहाँ मैं कुछ लिख सकता हूं ठीक है ये मैंने लिख दिया फाइल में एल एस करके देख लेते हैं तो ए डॉट एच टी एम एल आ गई है और अगर मैं ब्राउजर में जाके क्योंकि वो इस फोल्डर को पकड़ रहा है जो हमारा वेब सर्वर फ्रंट एंड है जो मैं हिट करता हूँ यहाँ पे जाके लिखता हूँ ए डॉट एच टी एम एल तो क्या होना चाहिए मुझे वो एच टी एम एल की फाइल नजर आनी चाहिए अगर हमने सब कुछ सही किया है आ, हमने माई वेब सर्वर चलाया था एटी पे वन चलाया हुआ है ठीक है ए एटी वन पे ये जी हेलो आ गया अच्छा तो मैंने अपने कंटेनर के अंदर जाके चेंज किया कंटेनर के अंदर जाके उस जिप फोल्डर में जो रनिंग स्टेट थी कंटेनर की उसके अंदर मैंने चेंज की है इससे ये जो चेंज की इससे मेरी इमेज चेंज नहीं हुई इससे मेरे कंटेनर के अंदर एक चेंजेस हुई हैं लेकिन जो भी चेंज आप इस कंटेनर के अंदर करते हैं ये सारी क्या होती हैं टेम्परेरी होती हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था अगर मैं इस कंटेनर को स्टॉप करके रिमूव करूंगा और दोबारा स्टार्ट करूंगा नया कंटेनर तो ये आपको चेंजेस नहीं मिलेंगी ये कंटेनर ये चेंजेस इस कंटेनर के लेवल तक ही हैं ये बात आ रही समझ कैसे समझ आएगी इस बात की अच्छा आप जब अंदर आ जाते हैं और अगर आपने इस कंटेनर से बाहर निकलना हो तो अगर आप कंट्रोल सी करेंगे ना तो ये कंटेनर स्टॉप हो जाएगा या एग्जिट करूंगा तो ये कंटेनर स्टॉप हो जाएगा तो आपने कंट्रोल पी क्यू करना है कंट्रोल पी क्यू अब मैं उस कंटेनर से बाहर आ गया हूँ वेरीफाई करने के लिए कंटेनर चल रहा है चल रहा डॉकर कंटेनर करता हूं। तो ये देखिए कंटेनर अभी भी, भी चल रहा है आपके पास अगर मैं दोबारा इस कंटेनर में जाता हूँ ठीक है इस तरह और दोबारा उस फोल्डर में जाता हूँ जो मेरा फोल्डर था सी वाला ठीक है ये वाला और इसके अंदर मैं देखता हूं एल करता हूं तो मुझे ए डॉट फाइल नजर आ रही है और अगर मैं दोबारा जाके इसको दोबारा जाके कंटेनर को स्टॉप करता हूं डॉकर कंटेनर एल एस Uh, क्या करेंगे इसको हम रिमूव करने के लिए डॉकर कंटेनर आर एम डैश एफ माई वेब सर्वर इसे स्टॉप भी हो जाएगा रिमूव भी हो जाएगा ठीक है और अगर दोबारा तो स्टार्ट करता हूँ कंटेनर को और आप इसके अंदर जाता हूं अगर कंटेनर के अंदर और अब फोल्डर में जाता हूं अगर मैं सी डी यूजर शेयर इंजन एक्स और एच तो अब नहीं है क्योंकि दोबारा उसने जिप फाइल को पकड़ा है और दोबारा स्टार्ट किया प्रोसेस तो जिप फाइल में तो ये फाइल नहीं गई थी ये तो उस उस स्पेसिफिक कंटेनर का पार्ट थी उसको हमने स्टार्ट किया स्टॉप किया रिमूव कर दिया ये बात आई समझ या नहीं समझ आई बच्चों ये वाली बात कोई क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ जो भी आपको समझ आ रही है कि जी जो आपकी समझ बन रही है वो अगर आप बताना चाहें तो बताएं ताकि मैं उसको सही या गलत कर सकूं जी जी हाँ जी अभी तक तो आई है कि अगर हमने वो ए डॉट एस टी एम एल की थी, तो वो तो हमने उस के अंदर रहकर चेंज किया था और इमेज तो था बेसिक तो अगर हम उसको करके चला रहे तो uh, बिल्कुल ठीक हो गया बिल्कुल ठीक हो गया और इमेज क्या चीज है हमने इमेज को देखा कि इमेज इज जस्ट एक फोल्डर है

डॉकर के अंदर जो फोल्डर बने हुए हैं उनको आप माउंट कर लेते हैं माउंट का मतलब समझ लें शेयर कर लेना एक पॉइंटर क्रिएट कर लेना रेफरेंस क्रिएट कर लेना होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किसी फोल्डर के साथ ठीक है जो अभी क्वेश्चन भी, भी कर रहे थे यही हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि भाई ये क्योंकि कंटेनर तो एक टम्परेरी uh, होता है और इसके अंदर आप जब जो ही इसको स्टॉप करते हैं रिमूव करते हैं स्टॉप पे नहीं वो जो राइटेबल चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं तो फिर हमें तो अपनी चीजें मेंटेन करनी है और वो कैसे करेंगे तो हम माउंटिंग कर कर लेते हैं माउंटिंग की तीन चार टाइप्स हैं हम दो बुनियादी डिस्कस करते हैं एक ये होती है कि आप सिर्फ कहते हैं इसको कि भाई कंटेनर के अंदर जो फोल्डर बना हुआ ना ये वाला इस फोल्डर को माउंट कर दो बस इतना कहते हैं नाम देते हैं और कहते हैं इतना कर दो फिर वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग मैं में इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ ज्यादा बेहतर है यहां पे डायग्राम बनी हुई है ये देखिए ये कंटेनर है ये हमारा फाइल सिस्टम है जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है मेरे पास चल रहा है आप क्या करते हैं बाइंड कर देते हैं माउंटिंग क्रिएट कर देते हैं दो तरह की माउंटिंग होती है एक माउंटिंग ये होती है कि डॉकर अपने पास कहीं पे अपने किसी एरिया में चीजें स्टोर करना शुरू कर देता है कंटेनर ही डॉकर डॉकर इंजन कंटेनर खत्म हो जाए वो चीजें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फाइल सिस्टम पड़ी होती है लेकिन कहाँ पड़ी होती हैं डॉकर के पास कहीं एरिया में पड़ी होती हैं दूसरी ऑप्शन ये होती है आप कहते हैं कि नहीं जी मेरी सी ड्राइव में मेरी डी ड्राइव में इस फोल्डर के साथ माउंट कर दो इस फोल्डर को तो अब जो चीजें अंदर उस फोल्डर में पड़ी होंगी वो बाहर विजिबल हो जाएंगी आप बाहर चेंज करेंगे वो कंटेनर के अंदर विजिबल हो जाएंगी ठीक है सो लेट्स ट्राई दिस और फिर आपको बात ज्यादा समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसी एग्जाम्पल को मैं जरा एग्जिट करता हूँ <coughs> कैसे करेंगे कंट्रोल पी क्यू आई विल कीप रिपीटिंग दिस ताकि आपके पास ये चीज आपको याद रह जाए अच्छा अब मैं क्या करता हूँ जी मैंने अब पहला काम करता हूं कि मैंने कंटेनर को स्टार्ट करना है और कंटेनर को स्टार्ट ऐसे करना है कि मेरे पास जो चीज़ें मैं चेंजेस करूँ अपने पास अंदर जो मैंने अभी जिसमें एचटीएमएल फाइल एक क्रिएट की थी एचटीएमएल के फोल्डर में वो फाइल मेंटेन रहे चाहे मैं डॉकर को कंटेनर को रिमूव भी कर दूं वो कैसे करता हूं जी मैं अपना पहले तो ये जाता हूं और साफ़ कर लेता हूं सारा कुछ ठीक है ये बार बार मैं किया करूँगा ताकि मेरे पास जो क्या गलती की है जी मैंने डॉकर के से गलत लिखी है शायद ओके okay. अब मैं दोबारा चलाने लगा हूँ और मैं कमांड आपको समझा देता हूँ जी दोबारा कमांड क्या जी डॉकर रन नेम डिटैच पोर्ट कौन सी एक्सपोज करनी है और डैश वी का नया फ्लैग आ रहा है डैश वी में मैंने क्या लिखा है पहले कोलन से पहले लिखा है कोई नाम दिया है माई ऐप इसका मतलब है कि जब मैं ये नाम दूँगा ना और पाथ नहीं दूंगा पहले तो इसका मतलब मैं डॉकर की मेमरी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ मेरे फाइल सिस्टम में बनेगी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही लेकिन डॉकर की मेमरी होगी ठीक है डॉकर अपने पास कहीं पे उसको कहीं हमारी हार्ड डिस्क में सेव कर लेगा किसको मैप किससे मैप करना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अंदर फोल्डर है ना ये वाला एच वाला इसको इससे मैप कर दो अब जो चीज़ें भी इधर पड़ी होंगी वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी और जो चीज़ें यहाँ पड़ी होंगी यहाँ डालेंगे आप जाके वो यहाँ विजिबल होना शुरू हो जाएंगी ये समझा रही बात की कि नहीं समझ आ रही सो आपने एक शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है

और मैं अपने फोल्डर में जाता हूं जो मेरा फोल्डर है उस फोल्डर को आप देखेंगे तो ये मुझे सोचते नजर आ रही है फोल्डर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ये माई ऐप के नाम से बनाई हुई थी इसलिए मुझे ये नजर आ रहा है बल्कि मैं इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ना नया नाम कर लेता हूँ इसको ना माई ऐप वन कर देता हूँ ओके okay, अब मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है ठीक है ये मैं इसके अंदर आ गया अब यहाँ पे मुझे करना है अपने उस फोल्डर में जाना जो मेरा इस्तेमाल वाला फोल्डर है यूज़र स्लैश शेयर स्लैश इंजन एक्स स्लेशम एल एल एस करता हूँ ये मुझे स्ट्रक्चर नजर आ गया ठीक है अब मुझे क्या करना है यहां पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है कैट के जरिए करते हैं ए डॉट के नाम डिफरेंट कर लेते हैं बी बी डॉट इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ कह देता हूँ एच वन ठीक है जी बी uh, हैं, हैं, बनी नहीं बनी और बाहर जाके देखता हूँ है, है जी ठीक हो गया इसका मतलब चेंज हमारी हो गई है अब मैं अगर इसको बंद करना चाहूं तो कैसे करूंगा जी मैं इसको मैं यहाँ से जाता हूँ कंट्रोल पी क्यू आप नोट कर रहे हैं कि इसलिए मैंने कहता सी एल आई में आपका इंट्रस्ट होना चाहिए कमांड वगैरह जो है प्रैक्टिस से याद होती है खैर मैंने भी लिखी हुई है पढ़नी पड़ती बार बार भूल जाते हैं अच्छा अब मैं अगर देखता हूं मेरा कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा कंटेनर एल एस जी कंटेनर चल रहा है इसको रिमूव कैसे करेंगे डॉकर कंटेनर आर एम डैश एफ और माई वेब सर्वर अब मैंने कंटेनर रिमूव किया है स्टॉप नहीं किया रिमूव किया है ठीक है अब मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ उसी तरह ठीक है उसको अपना नाम देके नाउ वी नीड टू अब पता चल जाएगा मैं, मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो जो चीजें मैंने यहाँ चेंजेस की थी उस कंटेनर के अंदर क्या वो माई एप वन में सेव हुई थी अगर हुई होंगी तो ये मुझे दिखा देगा इस फोल्डर में और अगर नहीं हुई होंगी तो फिर नहीं मिलेंगी ठीक है ओके okay. तो डॉक्टर ई एक्ट आई टी माई वेब सर्वर बैश सी डी यूजर शेयर इंजन एक्स और एच टी एम एल एल एस ये फाइल कोई क्वेश्चन है इसके अंदर लॉजिक कि आपको समझ इस की, कि नहीं क्या हमने okay. अच्छा, दिखा देता हूँ आपको करके अभी भी एक्सेसिबल हो रही है दिस इज वन वे जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं उनको किसी बाहर वाले फोल्डर से मैप कर देते हैं ये माई ऐप का फोल्डर आपके पड़ा हार्ड डिस्क पे हुआ है अब फिजिकली लेकिन ये डॉकर की मेमोरी एरिया में डॉकर के आ, कंट्रोल में ये वाला एरिया है और अगर आप मुझे कहते हैं कि जी कहाँ पड़ा हुआ है जब मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ इसकी लोकेशन बेसिकली चूंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ बल्कि आपको भी ये देखिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं डेस्कटॉप ठीक है डॉकर फॉर डेस्कटॉप जिसमें विंडोज़ के ऊपर मेरा चल रहा है डॉकर चल रहा है तो वो एक डब्ल्यू एस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर पाथ ये वाला बनता है ठीक है ये मैंने पाथ कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे ये पाथ है जिसके अंदर जाके वो मेरा जो फोल्डर बन रहे हैं ये देखिए बारह बारह का फोल्डर अभी बना है माई ऐप वन का इसमें अंदर जाएंगे तो चीज़ें जैसे वहां पे आप यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज करेंगे तो वहां आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी ठीक है तो ये भी मेरी हार्ड डिस्क के ऊपर ही है मैं लेकिन एक्सेस इस तरह कर रहा हूँ अगर ये लाइनिक्स वर्ल्ड होती तो फिर उसका फोल्डर बनता है वेर बिन डॉकर उसके अंदर ये आगे वॉल्यूम्स का फोल्डर डाटा का फोल्डर आ जाता है ठीक है दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ माउंटिंग जिसको हम इस तरह माउंटिंग कर लेते हैं इसको हम अच्छा देखिए डैश वी का फ्लैग ही लगेगा दूसरे वाले में भी लेकिन एक नाम आप नेट पर पढ़ेंगे इसका नाम होता है वॉल्यूम यानी जो मैंने अभी किया ना इसको वॉल्यूम कहते हैं या कहते हैं डॉकर माउंटिंग कह देते हैं क्योंकि डॉकर के एरिया में हो रहा है ना माउंट डॉकर माउंटिंग कह देते हैं दूसरी टाइप क्या है उसे हम कहते हैं फाइल माउंटिंग यानी मैं आपको किसी अपने फोल्डर में अपने फिजिकली फोल्डर में अपनी मर्जी के फोल्डर में माउंटिंग करूंगा क्रिएट जी, वो कैसे करूंगा जी जी पे करता हूं, -P -Q, इसको पहले कर देते हैं Again, मैं ये ये बार बार ठीक है 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 ताकि हमारे पास ये ना हो ओके। जी, अब अब हमने हमने क्या करना दोबारा को चलाना है, लेकिन अब मैंने हमने किसी फोल्डर में चलाना है तो मेरे पास एक फोल्डर है एक लोकेशन है मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ पहले जिसके अंदर मैं चाहूंगा कि कमांड देख लें जी कमांड की समझ आ रही है आप लोगों को इस कमांड में कोई परेशानी है ठीक है ओके इसमें हम क्या कह रहे हैं हम आप पास जो पहला देना चुके विंडोज पर काम कर रहा हूं तो वो इंटरनली मेरे जो डी ड्राइव है सी ड्राइवर उनको इस तरह माउंट कर देता है तो मैं अपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम इस्तेमाल करना होगा तो मैं इस तरह करूंगा स्लैश सी स्लैश डी करके तो मैं डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर डॉकर सीरीज का उसके अंदर इंजन वक्स फोल्डर है मैं कहता हूँ कि इस वाले फोल्डर को इंजन वक्स वन वाले फोल्डर को इस फोल्डर से मैप कर दो एस्टिमल के फोल्डर से ठीक है तो अब मैं अगर यहाँ पे कुछ चीज चेंज करूंगा बाहर तो यहाँ पे हो रही होगी और यहाँ चेंज करूंगा तो यहाँ पे हो रही होगी तो नॉर्मली जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे यूजिंग डॉकर तो आप ये अप्रोच इस्तेमाल करते हैं अब आप अपने जहन में थोड़ी देर के लिए दस सेकंड में सोचें कि आप जो काम कर रहे हैं कैसे डॉकर के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपको पीएचपी में करनी हो डेवलपमेंट तो डॉकर के अंदर क्या पड़ा होगा कंटेनर में क्या पड़ा होगा पीएचपी होगी क्योंकि कंटेनर तो रीड ओनली है ना उसके ऊपर आप चेंजेस भी करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगी कंटेनर में क्या होगा पी होगा पी एच पी अगर टाइम होगा पाची सर्वर होगा वो कंटेनर में होगा और आप अपने इस फोल्डर को मैप कर देंगे बाहर के फोल्डर के साथ और आप यहां पे अपने काम कर रहे होंगे इस फोल्डर में चेंजेस हो रही होंगी और पेज को रिफ्रेश करेंगे वो रिफ्रेश मिल रहा होगा आपको अभी ये हम आज डेमो भी करेंगे भी इसके ऊपर लेकिन लेट्स डू दिस फर्स्ट इस कमांड में कोई प्रॉब्लम है किसी को दोबारा पूछ रहा हूँ इस चीज को आर वी गुड ओके सो मैं आप करने के लगाऊँ रन कर लगा वेब सर्वर और ये फोल्डर मैप करके ठीक है ओके okay जी ये आ गया अब अगर मैं इसको करता हूँ वही काम करते हैं दोबारा डॉक्टर ई एक् आगे डैश आई टी माई वेब सर्वर bash और cd user share nginx इंजन एक्स और एच एम एल का फोल्डर एल एस तो देखिये अब ये दो फाइलें नजर आ रही हैं दो फाइलें क्यों नज़र आ रही है क्योंकि मेरे पास जो बाहर फोल्डर पड़ा हुआ है उसके अंदर ये दो फाइल्स हैं अगर मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम बदल के कर देता हूँ बी डॉट एच एम एल या बी सी डी डॉट एच एम एल तो अंदर मैं जब एल एस करूँगा कंटेनर में तो मुझे वो दिखा रहा है आप अंडरस्टैंडिंग अज्य कंटेनर के अंदर मैं इस फोल्डर को जो भी काम कर रहा हूँ वो एक्चुअली बात ही उस फोल्डर के साथ हो रही है जो बाहर हमने मैप किया है तो आप उधर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ें विजिबल हो रही हैं और अगर आ, मैं आपको पेज में दिखाऊँ एप्लीकेशन में यहाँ पे खोल के दिखाऊँ बी सी डी डॉट एच डी एम्बल जो मेरी फाइल नहीं बनी है हम इस तरह काम करेंगे यानी मैंने आप अपने एडिटर के अंदर खोला होगा अपनी उस फाइल को जो मेरी फाइल है और अपना काम कर रहा हूँ मैं ठीक है सिंपल ये देखें वी एस कोड में जाके की तो मैं यूज़ करूंगा। आपको समझाने जाके तो आप रिफ्रेश करता हूँ तो काम हो रहा है ऐसे आपने एक्चुअली डॉकर को इस्तेमाल करा डेवलपमेंट के लिए बड़ी सिंपल सी मैंने एग्जाम्पल दिया अभी लेकिन यही मैप करेंगे नोट पे भी और आगे पी एच पी के ऊपर भी मैं अपने काम बाहर अपने हार्ड डिस्क पे कर रहा हूँ अपनी फाइलों को चेंज कर रहा हूँ लेकिन मैंने इसको मैप कर दिया है डॉकर के अंदर एक जो फोल्डर है जिसको डॉकर रीड इंजन एक्स रीड करता है दिखाने के लिए वो इस तरह चेंज हो रहा है अगर ये बात समझ आ तो गई फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन है तो पूछ लें इसके अंदर प्लीज आर वी गुड कोई क्वेश्चन है इसके अंदर ठीक है बच्चों आगे चलते हैं फिर अच्छा जी हमें इसको ज़रा आखिरी काम हमने यही करना है कंट्रोल पी क्यू इसे एक दफ़ा मूव कर देते हैं ठीक है जी अच्छा अगला हम काम ये करते हैं कि ये तो समझ आ गई मुझे लेकिन अगर मुझे अपनी इमेज बिल्ड करनी हो अपना वो फोल्डर बनाना हो और किसी को देना हो कि यार ये लो फोल्डर लो और तुम इस्तेमाल करो और उसके अंदर फाइलें साथ दे दूं उसको मैं ये वाली एक तो मैंने बता दिया ना कोई माउंटिंग शर्टिंग करके उसको फोल्डर दे दें और डॉकर दे दें लेकिन दे। उसको पूरा देना हो पूरे का पूरा एक फोल्डर देना हो कि पकड़ो और रन करो तो कैसे करेंगे ठीक है उसके लिए हमें अपनी इमेज फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और वो हम कैसे करते हैं उसके लिए हम डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं और अपना काम करते हैं ठीक है जी सो लेट्स डू दैट वो हम कैसे करेंगे मैं उसके लिए जाता हूँ दूसरे फोल्डर में और यहाँ पे काम करके दिखाता हूँ आपको ये वाला ठीक है जी आ, हाँ ओके वी आर हियर सो हम क्या करते हैं हम बेसिकली ये काम करते हैं हम एक डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि आप अपनी इमेज कैसे क्रिएट करेंगे सिंपल सी इमेज है बड़ा सिंपल सा हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं भी जा हैं आस्था से जाएंगे हम एक डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे और डॉकर फाइल में जो इसका सन्टेक्स होता है आप फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं आप बताते हैं कि मैं जो नई इमेज क्रिएट करूं वो मैं कहां से क्रिएट करूं मैं किसको बेस लूं ठीक है किसको बेस लूं तो अगर अब आपने अगर आपके पास पहले एक चीज बनी हुई है जिसके ऊपर आपने सिर्फ अपना अपनी लेयर डालनी है अपनी चीजों की तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे ना कि आप स्क्रैच से स्टार्ट करना शुरू कर दें तो हमारे पास एक इंजन एक्स की बनी हुई इमेज है जिसके अंदर इंजन एक्स का वेब सर्वर प्रॉपर चल रहा है सब उसकी बाइंडरीज पड़ी हुई है तो हमें अगला काम करना है अगला काम ये करना है कि हमें अपना कोड अपनी फाइलें इसके अंदर डालनी है एक नई इमेज क्रिएट करते वक्त हम इसको छेड़ नहीं सकते ये इमेज रीड ओनली है किसी ने बना के रख दी है हमने जो अपनी नई इमेज क्रिएट करनी है उसके अंदर बेस इमेज ये होगी और साथ हम अपनी चीजें जो भी डालना चाहते हैं फाइलें कॉपी करना चाहते हैं वो हम कर देंगे तो हम यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि एक नई इमेज क्रिएट करने के लिए जो फाइल लिख रहे हैं आप उसको फ्रॉम इंजन एक्स लेटेस्ट ठीक है जो हमारी इमेज का नाम है जिससे हमने स्टार्ट करना है और फिर कॉपी कमांड होती है करंट फोल्डर में जो चीजें पड़ी हुई है जिस तरह यहाँ पे बी और ये वाला है अगर कहीं अंदर पड़ी हो तो आप लिख सकते हैं स्लैश इस तरह करके भी कॉपी करो सारी चीजें करंट फोल्डर की और कहाँ डाल दो उनको इस एच के फोल्डर में डाल दो ठीक है तो जब वो इमेज बिल्ड करेगा अच्छा इसको पकड़ेगा और फिर इसके अंदर यानी जो ये वाला नया नया बन रहा है हमारा फोल्डर बन रहा है उसके अंदर ये चीजें पकड़ के इस फोल्डर में डाल देगा और एक नया फोल्डर क्रिएट कर देगा तो ये एक नया फोल्डर होगा उसमें क्या पड़ा होगा ये वाली इमेज होगी और साथ ये वाली हमारी जो हमारा कंटेंट है जिसके अंदर पड़ा होगा उस फोल्डर के अंदर ठीक है तो अब इसको बनाते हैं कैसे इमेज को सिंपली बड़ा आसान सा काम है मैं इधर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ जरूरी नहीं था यहाँ पे ओपन करना लेकिन मैं इधर भी इधर करके दिखा देता हूँ आपको तो मैं उस जगह पे हूँ जहां पे ये फाइल पड़ी हुई है मैं यहाँ पे कमांड दूंगा डॉकर बिल्ड डैश टी की कमांड होती है बिल्ड की कमांड बेसिकली है डॉकर बिल्ड डैश टी आगे आप अपनी इमेज का नाम देते हैं जैसे मैं कहता हूँ बिलाल शिजात कोई भी आप नाम देते हैं ये जरूरी नहीं इतना मतलब लंबा नाम देने की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता हूँ जैसे मैं कहता हूँ ये मैं देता हूँ माई टेस्ट और आगे बताऊंगा मेरी डॉक्कर फाइल कहाँ पड़ी है मैं कहूँगा यही पड़ी हुई है डॉट यानी असल में ये डॉट कॉन्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है डौक। डौक। तो मैं डॉट करंट फोल्डर जहाँ डॉकर फाइल पड़ी है उसी के कॉन्टेक्स में चलाना चाह रहा हूँ इसको जब मैं चलाऊंगा तो क्या करेगा मेरे लिए इस नाम की एक इमेज क्रिएट करेगा और उस इमेज को क्रिएट करते वक्त जो मैंने अंदर फॉर्म डाला हुआ है अगेन उसको ये इमेज चाहिए तो अगर ये इमेज लोकल कैश में नहीं होगी तो सर्वर से डाउनलोड करेगा और फिर आपका एक जिफ, एक फोल्डर बना देगा आपके नाम का ठीक है अब मेरी इमेज बन गई जैसे ये इंजन एक्स थी ना ऐसे मेरी गई इस नाम की तब तो अगर मैं इसको सर्च करता हूं डॉकर करके डॉकर इमेज एल तो यहाँ पे मेरी वो इमेज होनी चाहिए जो मैंने भी बनाई है माय टेस्ट वाली ये बनी हुई है ऊपर ठीक है अच्छा क्या साइज शो कर रहा है इसका कोई बताएगा मुझे साइज नजर आ रहा है लोगों कितना साइज शो कर रहा है इसका 133 MB तो ये आपके लिए अलार्मिंग नहीं है मेरी फाइल तो बेचारी दो फाइलें हैं एचटीएमएल की सर वो इंजन की पूरी फाइल सारी रेप्लिकेट हुई है ना यहां पर बिल्कुल बिल्कुल हमने यही बात की थी ना कि उसने इंजन एक्स की जो इमेज है वो पकड़ी है हमारी ऊपर चीजें डाली हैं और एक नया फोल्डर बना दिया एक नई इमेज बना दी है ठीक है तो अगर आपको ये लार्बनिंग लग रहा है तो फिर मुझे आप बताइए क्या बेटर सोल्यूशन होना चाहिए था क्योंकि मसला ये है कि मुझे मेरी एप्लीकेशन की जितनी डिपेंडेंसी ने साथ देनी है ठीक है तो वी विल टॉक अबाउट इट कि उन्होंने इसको अम्प्रूव कैसे किया हुआ है तो फिर वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा लेकिन इतना अलार्मिंग नहीं है ये वाला ठीक है तो डोंट गेट वरीड का बन गया मेरा फोल्डर बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें सब कुछ पैकेज करके देना है अब ये पैकेज बन गया अब मैंने अगर इसको रन करना है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ एक कमांड लिखूंगा और अपना काम स्टार्ट कर लूंगा तो क्या जी डॉक्कर रन वही अगेन लेकिन अब मैं इंजन का नाम लिखूँगा अपनी इमेज का नाम लिखूंगा बाकी सारी चीज़ें वही हैं पोर्ट क्योंकि अंदर इंजनक्स चल रहा है तो पोर्ट वो ए पे चल रहा होता है रनिंग स्टेट में होता है तो इस पोर्ट पर एक्सपोज करता हूँ और ये मेरा चल गया अगर मैं देखूँ तो इंडेक्स की फाइल में हेलो वर्ल्ड पाकिस्तान लिखा हुआ है और बी की फाइल में हेलो लिखा हुआ है जाते हैं यहाँ पे देखते हैं ए टी में खाली करता हूँ इंडेक्स की फाइल चलाता हूँ तो अभी तक ये आ रहा है अच्छा ये आ गया ठीक है कैशे से उठा रहा था ये हेलो वर्ल्ड पाकिस्तान और दूसरी वाली फ़ाइल खोलता हूँ बी रोट एच वाली स्लैश करके तो वो हेलो आ गया अब लेकिन मैं चेंजेस करूंगा तो ये चेंजेस नजर नहीं आएंगी बिकॉज मेरा जो कंटेंट है वो उस इमेज के अंदर चला गया है अब अगर मैं जो चेंजेस करूंगा इन फाइलों में तो ये तो मेरी लोकल फाइलें होंगी इमेज में चेंज नहीं हो रही होंगी ना कंटेंट में चेंज हो रही होंगी फिर अगर मुझे कुछ करना है खेलने के लिए करना है तो फिर वही माउंटिंग वाला काम करके करना पड़ेगा यहां तक हमारा एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने डॉकर चला के माउंटिंग करके

अभी ये लोकली है और मैं इस इमेज को रिमूव भी कर सकता हूँ इसको अपडेट भी कर सकता हूँ ठीक है मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसको अपडेट करना हो हेलो वन टू थ्री इस तरह करके और मैं इसको दोबारा वही कमांड चलाता हूँ बिल्ड वाली ठीक है तो ये देखें सेकेंड्स लगे हैं बिल्ड हो गई है और इसको मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा ठीक है और डॉक्कर पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा जो मेरी फेवरेट कमांड है डॉक्कर कंटेनर अच्छा उसका एक हलोर भी है एफ़ माई वेब सर्वर करता हूं और दोबारा गलती की है मैंने कोई डॉकर कंटेनर है। कंटेनर आ, तो अब मैं अगर चेक करता हूं जाके बी वाली फाइल को तो मुझे ये देखें लेकिन ले नंबर आउट है आप डेवलपमेंट में ऐसा नहीं करना चाहेंगे बारह अपनी और ब्राउजर में चेक करें आप माउंटिंग के जरिए ही इस्तेमाल करेंगे Uh, जब तक कि आपको कोई मजबूरी नहीं आती जैसे में हमें करना पड़ता है हम इस तरह रन नहीं कर सकते तो हमें इमेज बिल्ड करके कर देखनी पड़ती है लेकिन नोड में या नोड uh, में भी और पीएचपी में आपको ये सिर्फ माउंटिंग करनी है अपना काम करना है और आप इस्तेमाल करेंगे कंटेनर्स को ठीक है ओके आर वी गुड पॉइंट

या तो ये कंटेनर के अंदर जो चीज चल रही है वो किसी पोर्ट पे चल रही है जैसे ये वेब सर्वर होता है या नोड भी किसी पोर्ट पे चल रही होती है पी एच किसी वेब सर्वर पोर्ट पे चल रहा होता है डॉटनेट की अगर हम वेब बनाएंगे वो भी किसी पोर्ट पे चल रही होगी तो हमें वो पोर्ट बाहर एक्सपोज करनी पड़ेगी जैसे हमने ये एक्सपोज की है जो भी अंदर पोर्ट चल रही होगी हमें बाहर वही एक्सपोज करनी है फॉरवर्डिंग के लिए कि जब मैं बाहर एक्सेस करूँ तो रिक्वेस्ट उसको जाए दूसरा केस क्या हो सकता है कि कंटेनर के अंदर कोई वेब एप्लीकेशन नहीं है कोई और चीज़ है कोई सी एल आई बनाई है आपने कोई आपने बाइनरी बनाई है अपनी बाइनरी बनाई है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेनर चलाएं और उसे उससे काम करवाएं उसकी एग्जांपल मैंने उस तरह प्रिपेयर नहीं की हुई लेकिन अभी मैं में तो आपको वो भी हम करते हैं जैसे मैं नोड की एक्जाम्पल दूंगा आपको बल्कि बनी हुई एग्जाम्पल है मेरे जहन में जिसमें हम नोड को इस्तेमाल करेंगे नोड मेरा कंटेनर में चल रहा होगा मैं उसको इस्तेमाल करूंगा अपने कामों के लिए ठीक है उसमें मैं उसकी पोर्ट एक्सपोज नहीं करूंगा पोर्ट की जरूरत नहीं होगी मुझे नोड में ठीक है ओके okay. चले आगे जी अब मैं ये करता हूँ कि इसको मैं पब्लिश करता हूँ पब्लिक रिपोजट्री में तो मेरे पास डॉकर हब एक पब्लिश है आ, ये वाला मेरा लॉग हुआ हुआ है इसके ऊपर ये देखिए मेरी इमजेज पड़ी हुई हैं दो मैंने डाली हुई हैं और ये पब्लिक है आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं कुछ मिलेगा नहीं इसके अंदर हाल ही हा, हा, हैं तो खैर अब मैं अगर तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करनी हो इस इमेज को तो मैं कर सकता हूँ मैं आपको उसकी एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ दिखाने के लिए कि ये जो इमेज है माई टेस्ट वाली ये मैंने अभी बनाई है और डाली भी है ना तो कि हम अपनी नई बनाते हैं अपनी नई इमेज बनाते हैं उसको पुश करते हैं तो हम ऐसे करते हैं वापस चलते हैं उसी वाले के अंदर जो हम देख रहे थे यहाँ पे और एक नई इमेज बनाते हैं ठीक है बिल्ड करते हैं इधर से एक इमेज डॉक्टर बिल्ड के साथ और इसको नामते हैं वन टू थ्री ठीक है जी एक नई इमेज बना लेते हैं इस काम की अब मैं उसके ऊपर अकाउंट बन चुका है मेरा उसके ऊपर अकाउंट के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखूंगा जो मेरी कमांड होगी पहले मैं डॉकर लॉग इन करूँगा तो मेरा लॉग हो जाएगा मैं उसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैं लॉगिन बल्कि चेक कर लेता हूँ शायद लॉगिन मेरा ना हुआ हो मेरा ख्याल लॉगिन हुआ हुआ है हाँ लॉगिन मेरा शायद हम काम ख़राब हो गया अच्छा मेरा ख्याल मैं लॉगिन हुआ हुआ है ठीक है तो हम ख़राब नहीं करते अपने लॉगिन को मुझे पासवर्ड अपना रिपीट रुप, करना पड़ेगा तो मैं पुश की ट्राई करता हूँ लेट्स सी क्या होता है तो मैं कहता हूँ कि डॉकर पुश और अपनी इमेज का नाम देता हूँ जो मैं लोकल बनाई है और इसको पुश की ट्राई करते हैं हाँ तो ठीक है मेरा कटेंशिय वगैरह सेट थे पहले मेरा ख्याल है तो आई थिंक सो ये कर देगा पुश ठीक है अगर तो हम जाते हैं पुशिंग अभी कर रहा है लेकिन मेरा ख्याल है मेन वाइल यहाँ पे जाते हैं तो हमारी इमेज विजिबल हो जानी चाहिए ये देखिए इमेज आ गई है ठीक है ओके okay. अच्छा आप नोट किया आपने ये तो 133 थर्टी एमबी का था ना 133 थर्टी एमबी का था मेरी इमेज जो साइज था इसका तो उसने तो कुछ सेकंड लिए हैं 133 थर्टी एमबी कुछ सेकंड में तो डिप्लाई नहीं हो सकता क्या ख्याल है क्या किया होगा उसने वो गैस करते कुछ कुछ इंटेलिजेंस गैस करें इंटेलिजेंट क्या मतलब ट्राई करें अगर आपको ये काम करना तो क्या करते आप तो सिर्फ डिफरेंस को उसने पुश किया ना बिल्कुल बिल्कुल सो जो इंजन एक्स की इमेज है ना इंजन एक्स की इमेज का एक आईडी है जो आपने देखा था ना एक इमेज है।, तो है इस इमेज के अंदर आपने जो अपना कंटेंट डाला है उसके अलावा जो इंजन एक्स है उसका जो आईडी वो पहले वहां पर अवेलेबल है तो उसने कहा यहाँ से उसको ले जाने की जरूरत नहीं है जो नया पार्ट है वो वहां लेकर गया है अगर मैं आपको थोड़ा सा मजीद बोल करूँ इस चीज के बारे में तो शायद आपको ये वाली बात जिंदगी भर फायदा दे देखिए होता क्या है जो आपकी इमेज होती है ना इमेज दैट इज अ कंबिनेशन ऑफ लेयर्स तो आपकी इमेज के अंदर अगर आपने एक चीज डाली वो एक लेयर बन जाती है और उसको एक आईडी मिल जाता है फिर आपने एक और ऊपर चीज डाली उसको एक लेयर बन जाती है तो हो सकता है कि जो इंजन एक्स है वो तकरीबन चार लेयर्स का पार्ट हो पांच लेयर्स का पार्ट हो दो लेयर्स का पार्ट हो जब आपने अपनी इमेज क्रिएट की है इंजन को यूज करते हुए तो आपने सिर्फ ये काम किया कि आपने इसी स्टैक के अंदर एक नई लेयर डाल दी अपनी तो आपकी इमेज ये वाली बन गई है बेसिकली तो जो आपने कहा ना कि ये वाली इमेज पुश करो तो उसने कहा जी में One, two, three, four, अच्छा इस इमेज कितनी लेयर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव अच्छा इस लेयर का आईडी क्या ये चीज पहले वहां पे है जी माउंटेड माउंटेड फ्रॉम लाइब्रेरी इंजन एक्स ये ऑनलाइन देख रहा है।, हाँ, है, 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 है और क्या पुश किया अपनी इमेज बिल्ड करते हैं तो इमेज इज अ कम्बिनेशन ऑफ लेयर्स और जितनी आप कमांड देते हैं ना अपने पास डॉक्टर फाइल में उतनी लेयर्स बनती हैं और तो ये सारी लेयर्स क्या होती हैं रीड ओनली होती हैं ये स्टैक बनता जाता है लेयर्स का तो जब आप पुल करते हैं या पुश करते हैं किसी इमेज को तो वो बेसिकली इन लेयर्स को पुल या पुश कर रहा होता है तो अगर आपके पास अब मिसाल के तौर तो पर मैंने माई टेस्ट डाउनलोड करता हूँ कर, एक दफा अब मैं कहता हूँ जी पहले ये काम करता हूँ डॉकर कंटेनर सॉरी डॉकर इमेज एल और यहाँ पे मेरी इमेज जो मैंने बनाई है अभी उसका नाम क्या वन टू थ्री मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस इमेज को ना रिमूव कर देता हूँ यहाँ लोकल से क्योंकि मैं वहां पुश कर चुका हूँ तो मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है डॉकर इमेज आई थिंक आर की आर एम आई की कमांड है डॉकर आर एम आई और आगे मैं नाम दे देता हूँ अपनी इमेज का ठीक है ये मेरी इमेज यहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए लेट्स ट्राई अगेन तो अब मुझे ओ, मैंने क्या दिया वन टू थ्री दिया था क्या दिया था डॉक्टर आर एम आई अच्छा आ, हाँ जी वो रिमूव हो गई है ठीक है ना अब ये देखें ये वाली रह गई माई टेस्ट रह है वो इमेज मुझे अब नजर नहीं आ रही अब मैं जब पुल करूंगा मैं कहता हूं जी लेट्स से डॉकर पुल ये करता हूं मैं अगर माई टेस्ट वन टू थ्री तो कितने एम बी की थी वाली फाइल एक सौ पचपन एमबी की तकरीबन एक सौ तीस एमबी की जितनी भी थी लेकिन ये देखिए कितनी जल्दी डाउनलोड होती है ये तो डाउनलोड भी हो गई है जी क्या किया उसने और करते हैं बात समझाई कि नहीं समझाई उसने किया क्या किया है तो ये सा है जो कि कंफ्यूज कर सकता है आपको जब आप साइज देखेंगे या बिल्डिंग कर रहे होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक्चुअल एनवायरमेंट में या प्रोडक्शन में सोचेंगे ना अपनी इमेज बनाने का तो आपकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मैं ऐसी इमेज बनाऊं या ऐसी इमेजेस बनाए हम सब लोग जो कुछ चीजें शेयर कर रही हूँ ताकि आपके एनवायरमेंट में मैंने एक इमेज बनाई और उसने एक चीज डाउनलोड कर ली इंजन का वर्जन आपने अपना डाउनलोड करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी भी डाउनलोडिंग हो रही होगी इंजन की सेपरेट जो आपने वर्जन यूज किया मेरे लादा डाउनलोड हो रहा होगा तो अगर हम अपना एक स्टैंडर्ड बना लें कि हम सब लोगों ने यही वाला इंजन यूज करना है जरूरत के मुताबिक तो चेंज कर सकते हैं तो उसे ये हुआ कि आपके एक्चुअल एनवायरमेंट में बार बार इंजन डाउनलोड नहीं होगा वो कैसे एक ही वर्जन पड़ा होगा और सब लोगों के लिए बड़ी जल्दी स्पीड और स्पीड काम हो रहा होगा डाउनलोडिंग हो रही होगी ओके मेरे आगे बढ़ते हैं तो मैंने ये डाउनलोडिंग और आपको दिखा दिया कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पुश कर सकते हैं बाकी काम वही है अगर आपने दोबारा अपनी वही वाली कंटेनर रन करना है तो अब मैंने चूंकि डाउनलोड कर लिया है वन टू थ्री करता हूँ तो अगर एरर नहीं आया एरर आ गया बिकॉज ये पहले चल रहा होगा इसको हम एफ कर देते हैं और माई वेब सर्वर कह देते हैं ओके अब मैं दोबारा कमांड चलाता हूँ रन की तो बिल्कुल रन हो गया एटी एटी वन पे पोर्ट मैंने रन किया है ब्राउजर में जाऊंगा तो मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए बी का पेज इंडेक्स करूँ तो वो भी आना चाहिए ये ले इस तरह आप अपनी इमेज को पब्लिश और पुल करके और इस्तेमाल कर सकते हैं अब चलते हैं एक और काम कर लेते हैं जो कि बड़ा फ़ायदेमंद है क्या ख्याल है कि अगर मैंने ये वाली जो फाइल है ये आपको देनी हो और मैंने डॉक्टर आपके हाँ जरिए ना देनी हो बल्कि हमने ये फाइल अपने पास रखनी है ताकि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल कर सकें और कर सकें तो वो कैसे करेंगे हम तो उसके लिए भी कमांड अवेलेबल है आप अपनी फाइल को जो भी आपकी फाइल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एक फाइल फॉर्मेट में जो बार बार से ज़िप कह रहा था मैं तो मैं कहता हूं कि जी ये जो मेरी इमेज है इसको आप टेस्ट डॉट टार में इसी फोल्डर में सेव कर दें ठीक है जहां मैं खड़ा हूं तो ये बेसिकली वन टू थ्री वाली फाइल को ये देखिए इसने एक टेस्ट डॉट टार क्रिएट कर दी है और अगर मैं अब इस टेस्ट डॉट टार को दिखाता हूँ आपको कि ये क्या है बेसिकली एक टार फाइल है जिप फाइल है इसको अगर मैं कंप्रेस uh, करता हूँ अनकम्प्रेस uh, करता हूँ तो क्या होता है लेट्स सी अच्छा ये इसने सारा यहीं खोल दिया है चलें कोई बात नहीं अगर हम गार्बेज से बचने के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ एक सेकेंड के लिए और यहाँ से भी डिलीट करता हूँ तो आपकी जो इमेज होती है जिसको हम फोल्डर कह रहे थे बेसिकली अगर आप उसको देखें तो वो ये है इसको देखें तो इसके अंदर ये वही लेयर्स हैं सारी की सारी लेयर्स हैं मेरा ख्याल हमारी वाली लेयर ये होगी या नीचे वाली होगी शायद जो हमारी लेयर है देखते हमारी कौन सी लेयर है जो हमने बनाई थी साइज से बैड हो जाएगा वैसे हमें तो सॉरी जो हमारी फोल्डर का साइज था ये चार के बी वाला यही हमारी लेयर होगी मेरा ख्याल है लेट्स चेक नहीं ये एंट्री पॉइंट है दूसरी सिक्सटी थ्री एम बी है ये फोर के बी लग रही है ये शायद हमारी लेयर हो ये जी ये हमारी लेयर थी जो हमने लेयर क्रिएट की थी ना वो ये लेयर पड़ी हुई है यहाँ पे तो so, जो हमने कॉपी करवाया है उसकी एक लेयर बनी है और वो लेयर इस तरह बनी है उसको एक आईडी मिला है और ये उसका फॉर्मेट है और इस तरह पड़ी हुई है इस तरह अगर आप इस इमेज को इस्तेमाल करते हुए एक नई इमेज क्रिएट करते हैं फ्रॉम में इसका नाम देते हैं और एक नई इमेज क्रिएट करते हैं तो आप जो भी काम करेंगे वो बेसिकली मजीद लेयर्स क्रिएट हो जाएंगी इसी तरह जो नया बनेगा उसके अंदर फोल्डर एड हो जाएंगे इस तरह लेयर्स की इसमें क्वेश्चन है कोई देखिएगा एक्सप्लोर कीजिएगा लेकिन आ, मेरा ख्याल थोड़ी तस्वीर आपके में क्लियर होनी चाहिए कि इमेज क्या होती है ठीक है बच्चो चले आगे जी सर ऑल क्लियर ओके okay. अच्छा जब हम अगला काम करते हैं थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे थोड़ा स्पीड से ये मैं, मैंने अच्छा मैंने अभी ये किया था सेव किया था इस तरह आप लोड भी कर सकते हैं अगर आपने अपनी इमेज सेव की हो और आप कहते हो जी मेरे पास दोबारा लोड हो जाए तो लोड की कमांड अवेलेबल है डैश आई करके उसका नाम दे दें टार फाइल का मैंने अच्छा टार फाइल डिलीट कर दी अब ठीक है और इस तरह आप उसको वापस लोड भी कर सकते हैं तो इस तरह आप अपनी टार फाइल पर ना किसी से शेयर कर सकते हैं ईमेल मेल कर मेल खर क्या होनी इतनी बड़ी फाइल आप शेयर कर सकते हैं और वो इस तरह लोड करेगा अपना काम कर सकता है तो आपको पब्लिश करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पब्लिक पॉजिटिव होती हैं प्राइवेट मिसाइल आएंगे आपको वहाँ पे अच्छा जी आप आगे चलते हैं और अब हम नोड को स्टार्ट करते हैं ठीक है नोड की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं नोड क्या चीज़ है उसको उस तरफ आते हैं मैं ऐसे करता हूँ कि इस वाले सोल्यूशन को ही ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हमने काम सारा इसमें करना है तो फिर मुझे बार बार ओपन करना पड़ता है ठीक है जी नोट पे स्टार्ट करते हैं नोट का आपको सा आइडिया पहले दे दूं क्या चीज है आप नोट में जब एक सर्वर साइड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जैसे पीएचपी है जैसे आपके पास डॉट नेट है जावा है सर्वर साइड है और जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं तो मैंने छोटी सी एप्लीकेशन बिल्ड की है आपको समझाने के लिए जिसके अंदर हम एक ए पोर्ट पे लिसन कर रहे हैं और इसको हमने चलाना है तुम्हारा तो नॉर्मल डेवलपमेंट का क्या साइकिल होता है कि हम बेसिकली आ, कमांड चलाते हैं अपनी नोड की और अपना काम करते हैं तो वो कैसे चलाते हैं हम मैं पहले आपको बताता हूँ तो मेरे पास नोड इंस्टॉल है कि नहीं है तो मैं कहता हूँ कैसे चेक करेंगे नोड अभी मैं कंटेनर की बात नहीं कर रहा नॉर्मल बात कर रहा हूँ जी मेरे पास नोड इंस्टॉल है क्या मेरे पास एनपीएम इंस्टॉल है कि नहीं है जी मेरे पास एनपीएम इंस्टॉल है तो हमारे पास नॉर्मली जब आप एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं चलाने की बात करते हैं तो पहले आप कमांड चलाते हैं एन पी एम इंस्टॉल की कमांड चलाते हैं ताकि जितने पैकेजेज हैं हमारे पास इसके वो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं इसलिए पैकेज डाला है मैंने इंटेंशनली ये यू यू आई डी का जो एक यू यू आई डी जनरेट करता है बेसिकली यूनिक आई डी जनरेट करता है बड़ा सारा उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ ब्राउजर के अंदर ये हो गया उसके बाद आप कमांड चलाते हैं अपनी नोड की और कहते हैं जी मेरी फाइल का नाम क्या है सर्वर है तो मैं कहता हूँ नोड सर्वर डॉट जे एस तो ये मेरे पास जो मैंने पोर्ट यहाँ पे दी उस पोर्ट पर लिसन करना शुरू कर देगा अगर उस पोर्ट पे पहले कुछ लिसन नहीं हो रहा तो ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉकर कंटेनर एल करता हूँ ए वन वाला है इट्स ओके इसको बल्कि रिमूव कर देते हैं ताकि हमें तंग ना करे बाद में रेम डैश एफ माई वेब सर्वर ओके अच्छा जी ये कंटेनर चल पड़ा है मैंने कोई मैसेज नहीं प्रिंट किया हुआ इसलिए ये सिंपल आ रहा है अगर ब्राउजर में जाके मैं ए लिखता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आनी चाहिए चलें जी ओ oh, नो no, नहीं ये आ गया ठीक है हेलो वर्ल्ड और साथ ही यू आई आ गया आर वी गुड विद दिस कोई मैंने ज्यादा साइंस तो नहीं लगाई जहाँ पे तक तो, यहाँ तक मेरा हाल बात समझ आ रही है आप लोगों को ओके आई थिंक सो कंट्रोल सी करते हैं सी एल एस करते हैं और इसको बंद करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम ये करते हैं कि अब हमने जो आ, नोड का एनवायरमेंट है ना उस नोड के एनवायरमेंट मेरी मशीन पे इंस्टॉल नहीं है नोड जो है और मैंने ये कोड चलाना है नोड के जरिए तो मैं कैसे चलाऊंगा ठीक है तो उसके लिए अगेन आपके पास नोड की इमेज अवेलेबल है नेट के ऊपर डॉक्टर आप हाँ पे जाके सर्च कीजिए आपको बेतहाशा इमेज मिल जाएंगी नोड की जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अपनी बना सकते हैं और उनके अंदर डिफरेंट वर्जन भी अवेलेबल हैं नोड अलेवन यूज़ करना है ट्वेल्व यूज करना है टेन यूज, यूज करना जो आपको पसंद है इनमें से इमेज आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारे के सारे इसके टैग्स है जो लगा सकते हैं नोड के साथ आप ठीक है ये उन्होंने वर्जन दिए हुए हैं तो अब मैं करूंगा ये कि मैं नोड का एनवायरमेंट कंटेनर में चलाऊंगा और यहां से कोड इधर करूंगा और इस्तेमाल करूंगा ठीक है ये मेरा यहाँ पे गोल है तो मैं क्या करता हूँ यहां पे मैं जाता हूँ और अपने पास रन करता हूँ जी तो क्या कर रहा हूँ मैं कंटेनर रन करने लगा हूं मैं नोड का नोड कोलन ट्व का ट्वेल्व वाला वाल जिसको रन टाइम इसको कराने लगा उसको नाम देने लगा माई नोड ठीक है अभी मैंने कोई कोड कॉपी पेस्ट नहीं किया और नोड इज नॉट अ वेब सर्वर एक रन टाइम इसके अंदर पड़ा हुआ है इसके अंदर ठीक है जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये मेरे पास ये इंट्रैक्टिवली चल गया मैंने आई चलाया ना तो मैं इसके अंदर चला गया हूँ तो अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ यहाँ पे काम तो मैं कर सकता हूँ मतलब जिस नोड पर आप काम करते हैं जिस तरह काम भी कर सकता हूँ ठीक है और अगर मैं बाहर आता हूँ ये मैं बाहर आ गया हूँ ओके अगर आप कंटेनर को देखें तो आपके पास ये कंटेनर ये वाला है मेरे पास माई नोड का ठीक है अच्छा अब अगला काम करते हैं कि मैं इसको चलाता हूं मैं इसके अंदर जाता हूं दोबारा चलाता हूँ इसको बल्कि अगर मुझे मैंने ये चलाया था मैं पाइड फॉल्ट नोड चल गया था और अगर मैंने इस कंटेनर के अंदर जाना हो मैं कंटेनर के अंदर तो गया था लेकिन नोड के साथ गया था मैं कुछ कर नहीं सका वहां पे सी वगैरह देख नहीं सका उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है तो इसलिए बस मैं बाहर आ गया हूँ अब अगर मैंने इसके अंदर जाना है इंट्रैक्टिवली तो कैसे जाऊंगा जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था आपको डॉकर ई एक् करके डैश आई टी करके और अपने कंटेनर का नाम देके और फिर मैं अंदर कमांड कौन से चलाना चाहता हूँ बैश को मैं चलाना चाहता हूँ तो अब मैं इस कंटेनर के अंदर आ गया हूँ अब मैं एल एस वगैरह करूंगा तो मेरे पास ये पूरा अंदर का एनवायरमेंट है तो ये मुझे कह रहा है कि मेरे पास नोड का एनवायरमेंट हूँ तो मैं चेक करता हूँ नोड है भी कि नहीं इसके अंदर अब ये अंदर चल रहा है उसके नोट कीजिएगा ये मेरे बाहर वाला नोड नहीं है एनपीएम चेक करता हूँ क्या है कि नहीं है

जी माउंटिंग वाला कंसेप्ट यूज होगा या आखिर में मैंने कहा कर ही लेते हैं सीरीज ये वाली क्योंकि ये सीरीज उस तरह सेंस बनाती नहीं है जैसे बाकी बनाती हैं थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है अच्छा आ, क्या करना चाहिए मुझे है? क्या करूँ मुझे थोड़ा सा हिट दें मैं मतलब डॉकर स्टार्ट करूँगा लेट्स टू इट डॉकर रन करता हूँ और इंटरेक्टिव जाना चाहता हूँ उसके अंदर भी मैं चला जाता हूँ ताकि मैं अंदर जाकर कुछ कर सकूँ और नेम दे देता हूँ इसको माई नोड लेट्स पोज और आगे मैं करूंगा जी अपना फोल्डर का मैपिंग करूंगा तो मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है डॉकर नोट टू के अंदर तो मैं कहता हूँ बल्कि मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ फिर मैं चला देता हूँ चले सॉरी जी तो कमांड समझ लें मैंने ये कहा है कि इस वाले कंटेनर को चलाओ नोड वाले को उसका कंटेनर रन करो एक और ये पार्ट ये वाला पाथ माउंट कर दो नोट टू का फोल्डर जिसमें ये फाइलें पड़ी हुई हैं अंदर वाले यूजर सोर्स के फोल्डर में ये अब क्योंकि कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है आप किसी भी फोल्डर से अंदर माउंट कर सकते हैं ये यूजर सोर्स मैंने वैसे खुद ही बनाया है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी वेब सर्वर में रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वेब सर्वर किसी खास फोल्डर से रीड कर रहा होता है इसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी आगे पोर्ट का है हम अंदर अपनी एप्लीकेशन को जब चलाएंगे तो ए टी टी पे चलेगी हम उसको बाहर किसी पोर्ट पे एक्सपोज करना चाहते हैं ताकि बाहर भी एक्सेस हो सके ठीक है और आखिर में मैंने कहा है कि इंटरेक्टिव मोड में जाना ताकि मैं फौरन ही अंदर चला जाऊं वरना बाद में भी जा सकता हूं अंदर में जैसे पहले गया था कोई प्रॉब्लम है इस कमांड के अंदर ओके okay. अच्छा जी अब मैं देखता हूं क्या यूजर सोर्स के फोल्डर में मुझे कंटेंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा सी डी यूजर सोर्स में कंटेंट नजर आ रहा है जी आ रहा है तो क्या करना है मुझे काम एनपीएम इंस्टॉल करना है अपने पास ठीक है अब मैं कंटेनर के अंदर कर रहा हूँ ये जेहन में रखिएगा बाहर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इन चीजों से ये क्या हो रहा है अंदर ठीक है नोड सर्वर डॉट जी एस ये मेरा कंटेनर चल गया अब मैं अगर बाहर आके अपने ब्राउजर में एक्सेस करता हूँ ए टी ए टी को तो ये चलना चाहिए देखें चल रहा काम अब मैं इसको अगर स्टॉप करता हूँ इसको ठीक है और बाहर आके डेवलपमेंट करता हूँ यहाँ पे तो अब मसला ये चूंकि नोट का कोड जो ऑटोमेटिक नहीं होता जैसे पी एच रहे थे इसमें सर्वर को चलाना पड़ेगा मुझे तो मैं अंदर दोबारा वही काम करता हूँ ये चल गया है ब्राउजर में देखता हूं, तो ये चीजें चल रही है। Are we good with this or any question? हैं आर वे गुड विद दिस और एनी क्वेश्चन आप देख रहे हैं माउंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बाकी कुछ भी नहीं है बाकी तो आपका नॉर्मल काम है ना डॉकर यानी इन शॉर्ट कोई बड़ी साइंस नहीं है अगर आपको अब आइडिया यही होना चाहिए कि इसमें कुछ है ही नहीं दो चार बातें सिर्फ सी हैं और प्रैक्टिकल एक्सपोजर है कि आप प्रैक्टिकल करेंगे कैसे बस ये एक्सपोजर है बाकी अगर आपको ये समझ आ गया कि माउंटिंग का क्या रोल है पोर्ट कैसे एक्सपोज करनी है इमेज कंटेनर क्या चीज होती है तो बाकी तो अब मैं जितना मर्जी लगा रहा हूँ मैं वर्ड प्रेस की एक्सपेरिमेंट करता रहा हूँ मैं क्रोम के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रहा हूँ जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लें कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो आप चले कोई है क्वेश्चन तो पूछ लें अदरवाइज फिर नेक्स्ट पे चलता हूँ ठीक है जी ओके कंट्रोल सी करते हैं एग्जिट करता हूँ डॉकर कंटेनर एल एस करता हूँ आप मैं कंटेनर को डॉकर यूज कर रहा है वैसे मैंने पूछा नहीं शुरू में किसी ने यूज किया पहले बिल्कुल ही खामोशी है अच्छा जी अब अगला हम काम करते हैं अच्छा किसी का मैसेज आया मैं मैसेज बता देता हूँ पढ़ के रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा इसकी जैसे मेरी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं बन रही इतनी मजे के नहीं बन रही थोड़ा सा डिले ज्यादा स्लो ज्यादा चल रही है लेकिन मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से ठीक है जैसे भी बनी अच्छा जी अब हम चलते हैं दोबारा उसी काम को रिपीट करते हैं कि अब मैं ये करूंगा कि मैंने ये नोड की एप्लीकेशन लिखी है इसको मुझे पैकेज एंड डिलीवर करना है तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा मुझे इसको पैकेज एंड डिलीवर करना है ना तो ये ज़रा कंटेंट देखें ये थोड़ा सा अब पहले से काम एक्स्ट्रा इसमें डाला है मैंने कोई मुझे आप में से ज़रा एक्सप्लेन करें प्लीज़ अच्छे आप करते हैं एक्सप्लेन किसी को फिर कहूंगा तो फिर सब खामोश रहेंगे जैसे इसको रीड आउट करें कि क्या हुआ इसके अंदर ताकि फिर हम मैं इसको एक्सप्लेन करूँ क्या करने ट्राई कर रहे हैं हम यहाँ पे हमने मुझे मुझे जी जी जी, जी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इसको पैकेज एंड डिलीवर करना है यानी मैं अपना कोड प्रोडक्शन के लिए देना चाहता हूँ डिप्लॉयमेंट के लिए तो मैं पैकेज करूंगा ना अपनी सारी कोडिंग वगैरह जो भी मेरा रनिंग स्टेट होगी एप्लीकेशन की वो दूंगा ताकि वो इस इमेज को पकड़े और सिर्फ रन डॉक्टर रन और मेरा चलना शुरू हो जाए तो पैकेज एंड डिलीवर कैसे करेंगे हम या कोई और जिसका नोड का एक्सपीरियंस है वो जरा कर दे समझ आ जाएगी किसी का ऐप का नोड का हल्का फुल्का एक्सपीरियंस टच कोई कर, दे बेटा, सारे मैं फिर कर दूं। मुझे ही कहना चाह रहे हैं डिप्लॉयमेंट परसपेक्टिव so है मैं दोनों पर आपको डेवलपमेंट परसपेक्टिव माउंटिंग के साथ कैसे डेवलपमेंट करेंगे कैसे इन डिप्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव यू प्रिपेयर योर इमेज विद योर फाइनल कॉन्टेंट कि ये मेरा फाइनल कॉन्टेंट है जो भी होता है वो आप पूरा इमेज में डाल देते हैं ताकि जब वो इमेज पे कमांड दे डॉकर रन की तो एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाए उसे कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल ना करनी पड़े एवरीथिंग शुड बी पैकेजड इन योर इमेज तो हमने हमने कहा जी हमारी हमारी इस एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट हम लेते हैं फ्रॉम इससे लेते हैं अपनी एक वर्किंग डायरेक्टर से क्या होता है कि आप अपनी नई बनने वाली इमेज के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और उस पर खड़े हो जाते हैं तो मैंने कहा कि आप इस तरह कीजिए कि जो नई इमेज बन रही है उसके अंदर ये फोल्डर बनाइए यूजर सोर्स मतलब नाम मैटर नहीं करते कहीं भी आप नाम दे सकते हैं ठीक है और मेरे करंट फोल्डर से आप पैकेज वाली फाइल कॉपी कर लीजिए अच्छा ये खाली पैकेज वाली फाइल कॉपी क्यों की है इसकी एक साइंस है बाद में एक्सप्लेन करूंगा लेरिंग में बेनिफिट देती है कि आप खाली पैकेज को करेंगे ना तो वो हर दफा नई लेरिंग क्रिएट नहीं करेगा मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी मैं बाय द वे ये भी कर सकता था सिंपल काम ये भी कर सकता था ये वाला कर लेते हैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता आपको भी ये छोड़ देते हैं इसको अब मैं हाँ आ, कि शायद क्या हुआ है आपने कहा कि मेरी करंट्रैक्टरी ये है मतलब उस कंटेनर के अंदर या जो कंटेनर अभी इमेज बिल्ड होने लगी है इमेज इज़ कलेक्शन ऑफ फाइल सिस्टम ये फाइल सिस्टम इस फोल्डर के अंदर कॉपी करो यहां से जो कंटेंट पड़ा हुआ है नोट थ्री के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है ठीक है इस जगह पे सारा कंटेंट कॉपी कर दो इस फोल्डर से इसके अंदर फिर रन करना एन पी इंस्टॉल ताकि कोई डिपेंडेंसी हो वो भी डाउनलोड हो जाए कहां पे कमांड चल रही है इमेज के अंदर इमेज बन बन रही है इमेज ये वन बाय वन इमेज बनेगी पहले ये चलाएगी कमांड फिर ये कमांड चलेगी फिर ये कमांड चलेगी फिर ये कमांड चलेगी जब ये कमांड चलेगी तो एक्चुअली चलेगी इमेज बनते वक्त फिर आपने कहा है कि जी ए टी पोर्ट बाहर के वर्ल्ड को एक्सपोज करना जैसे हमने पहले रेज्यूम किया था कि इंडियन नेक्शन ने ए एक्सपोज किया हुआ है खत्म बात हो गई अब हम कह रहे हैं कि ये एक्सपोज करना बाहर के वर्ल्ड के लिए इसके लिए तो ताकि बाहर के वर्ल्ड इसको इस्तेमाल कर सके और आखिर में क्या करना है जैसे हम कर रहे थे अभी कि नोड के साथ कमांड चलाते थे तो आपने कहा कौन सी कमांड चलाना वो आप कह रहे हो कि नोड सर्वर डोट जी एस तो बेसिकली वो ये कमांड चला देगा नोड के साथ ये पैरामीटर पास करके तो जब ये आप कंटेनर रन किया करेंगे तो बेसिकली वो इधर से काम स्टार्ट किया करेगा बाकी सब चीज़ें तो बिल्टी होंगी ना तैयार हो चुकी होंगी पहले सब कुछ पड़ा होगा पैकेज सारे उसके अंदर पार्ट होंगे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल उसका पार्ट होगा आप कमांड देंगे तो ये चीज चल जाएगी एंट्री पॉइंट पे तो आपके पास रनिंग स्टेट में आ जाएगा लेट्स ट्राई जी हम जाते हैं टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ से एक अपना और यहाँ पे कहते हैं क्या कमांड थी डॉकर बिल्ड डैश टी अपने नाम माई नोड टू लेट सपोज और डॉट करंट फोल्डर के कॉन्टेक्स में इमेज बिल्ड कर दो तो वो बेसिकली कोई नई चीज़ होगा तो ले आएगा वो इमेज बिल्ड कर देगा और उसने मेरी एक इमेज बना दी माई नोड टू की अब मैं कैसे इसको रन करूंगा जी डॉकर रन डैश आई टी डैश डैश नेम माई नोट टू जो भी नाम देना आपने उसके बाद पोर्ट कौन सी देनी है आपने डैश पी कौनसी हमने एक्सपोज की ए टी, टी की है तो हम कहते हैं बाहर भी ए उसके अगेंस्ट दे दो और क्या कर दो जी आगे इमेज का नाम दे दो वन थ्री नाइन और क्या नाम है माई टेस्ट आ, टू माई नोट टू सॉरी माई नोट टू नाम है हमारे इमेज का नाम और दैट्स ऑल आई थिंक मेरा ख्याल है और इसको इंटरेक्टिव चलाने की जरूरत हमें नहीं है हम चाहते हैं कि बस चल जाइए काम और डैश डी कर देते हैं ताकि इसके अंदर ना जाए ये ले ये चल गई है चेक करते हैं जाके अपने पास ब्राउजर में ए एट टी टी चल रहा है कि नहीं चल रहा ये देखें चल रहा है ए एट टी ए टी तो जैसे हमने पहले अपनी एक इमेज क्रिएट की थी इंजन को पैकेज के साथ करके अब नोट के साथ हमने इमेज बनाई है तो अगर आप नोट के डेवलपर हैं तो आपने इस तरह ही करना है अपनी इमेज बना के आपको इमेज बनानी आने चाहिए अपने काम की ताकि आपका सारा काम पैकेज हो जाए आप इस इमेज का लिंक दें अपने टीचर को या किसी को कि ये मैंने मेरी एप्लीकेशन है वो अपने पास इस तरह पुल करेगा और कमांड देगा कोई उसको उसकी मशीन पे इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है कि नोट नहीं है ये नहीं है वो नहीं है सब कुछ आपका आपने इमेज के अंदर रख दे दिया है आर वी गुड विद दिस और नॉट ओके लेट्स मूव फर्दर देन जी नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है हमने हाँ एक इसमें काम और कर लेते हैं इसी के अंदर हम देख लेते हैं इसी का ही पार्ट था डॉकर इमेज हमने बना ली है अब मैं इसमें बल्कि भी हमारा कंटेनर चल रहा है ना अभी ठहरे में एक चीज़ यहाँ दिखाता हूँ आपको इसके अंदर हुई हुई है आ, कंटेनर हमारा चल रहा है और इसके अंदर हमने काम किया हुआ एक्स्ट्रा कि हमने यहाँ पे ना कंसोल डॉट भी किया हुआ है तो जो जो आप कंसोल डॉट लॉक कर रहे हैं ये तो सर्वर पे लॉग हो रहा है ना और ये सर्वर डॉट जी एस कहाँ पड़ी हुई कंटेनर के अंदर तो इट मीनस कंटेनर में ये लॉग हो रहा है ठीक है लॉग में उसकी लिखा जा रहा है तो अगर आपने कंटेनर के लॉग लेने हो तो क्या कमांड हमारे पास है डॉकर लॉग्स की कमांड होती है माई नोट टू आप इस तरह उसका लॉग्स ले सकते हैं ठीक है थीके? तो ये प्रिंट हुए, हुए, हुए में मैसेज हमने यू आई टी प्रिंट किए हुए है. तो अगर आप नोट कीजिए एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए कि मैं रिफ़्रेश करता हूँ ये वाला डी टू सिक्स वाला प्रिंट हुआ है अगर मैं आप लॉग करता हूँ डॉकर लॉग्स तो डी टू सिक्स आपको नजर आना चाहिए आखिर में ये देखिए आ रहा है तो इस तरह आप लॉग भी ले सकते हैं अपने उसका ठीक है जी ओके सो ये हमने कर लिया इसको अब हम सिंपली अगर आप उसमें जाके देखना चाहते हैं कि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है इसमें क्या है वो भी देख लेते हैं एक दफा डॉकर कंटेनर डॉक्कर ठीक है डैश आईटी माय नोड टू बैश ताकि हम उस कंटेनर के अंदर चले जाएं और आपका फोल्डर जो था वर्किंग फोल्डर क्या था यूजर सोर्स ऐप बाय डिफॉल्ट आपको उसी में लेके आ गया है वरना खुद भी जा सकते हैं आप यहाँ पे एलस करें तो यहाँ आपकी वो फाइलें पड़ी हुई हैं जो कि आपने कॉपी की थी ठीक है मतलब उस कंटेनर में ये पड़ी हुई हैं ये बताने का मतलब ये है कि अगर आप कोई नेट से इमेज लें उस कंटेनर रन करें तो आप उसके अंदर जाके देख भी सकते हैं उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है कहाँ पे क्या फोल्डर है क्या हरार की फोल्डर की एक तो मैंने आपको बताया ना अंजीप वाला उससे भी कुछ आप डिबक डिबिंग और इंस्पेक्शन कर सकते हैं इस तरह भी कर सकते हैं ठीक है जी Control P Q, sorry, Control P Q, exit, uh, sorry, इसको so, कैसे मूव करेंगे? Docker, rm -f mynode2, okay जी, we are good, ठीक है जी, okay, next चलते तो हैं MySQL की तरफ। अगर मैंने MySQL install करना अपनी मशीन के ऊपर, और मैं उसको सिर्फ चलाना चाहता हूँ, और तो लर्निंग करना चाहता हूँ, या इस्तेमाल करना चाहता हूँ डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे MySQL अपनी मशीन पे खुद इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पास माई एस अवेलेबल है तो मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा ये अगर जाए आप डॉकर हब हाँ पे माई एस पे तो यहाँ आपको कमांड भी मिल जाएगी डॉकर पुल की कि क्या कमांड दें और वर्जन कौन सा करना है आपने लेटेस्ट कहेंगे तो जो भी लेटेस्ट होगा वो आ जाएगा वरना आप ये टैग दे सकते हैं फाइव का एट का नीचे उसने कुछ चीज़ें बताई हुई आपको कैसे रन करें ठीक है मतलब कि नाम दें और फिर ये इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए अभी एक एक्स्ट्रा चीज आने लगी है इसमें माई एस एक्साम्पल करवाने लगा आपको ये हमने अभी तक इस तरह की बातें नहीं की थी

तो वो अगर वो अपने पास कोड कर देंगे इमेज के अंदर ही फिर भी मसला है तो वो कैसे जब माया को चले तो पासवर्ड आपसे ले तो इस तरह के ट्रिक खेलते एनवायरमेंट वेरिएबल से कि वो उसने अंदर एप्लीकेशन के अंदर ये वाला एनवायरमेंट यूज किया होगा आप चलाते वक्त जो भी इसकी वैल्यू देंगे तो वो वाली वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी इंटरनली ठीक है सो लेट स्टार्ट तो मुझे इसमें चूंकि कोई डॉक्टर फाइल नहीं है तो मैं काम कहीं भी कर सकता हूँ तो मैं ये काम बेसिकली वापस चला जाता हूँ अपने पैश के ऊपर ठीक है यहाँ आ जाता हूँ यहाँ पे सी कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे माई एस को चलाने लगा हूँ तो क्या किया मैंने जी मैंने कहा डॉक्टर नेम माई एस क्यूल टेस्ट सिक्यूल मेरे डॉक कंटेनर का नाम होगा और थर्टी थ्री जीरो सिक्स पोर्ट होती है ये भी अगेन उस पेज के ऊपर मेंशन थी तो मैं बाहर भी इसको इसी पोर्ट पे एक्सपोज करना चाहता हूँ आपने डिफरेंट करनी है कर सकते हैं तो बाहर आप जो भी पोर्ट यहाँ रखेंगे वो इस्तेमाल करेंगे अंदर वो इसको फॉरवर्ड कर देगा इसका एनवायरमेंट वेरिएबल चाहिए था इसको पासवर्ड का वो मैंने डैश ई करके उसका नाम दिया वही नाम देना जो उसने कहा हुआ है आगे इसको पासवर्ड दे दिया कोई मैं इस पासवर्ड से कनेक्ट करूंगा बाद में और डैश टी का है डिटैच के लिए क्योंकि मैंने इसके अंदर नहीं जाना फौरन डिटैच मोड में चलाना है इसको बैकग्राउंड में चलाना है और आगे मैंने नाम दे दिया इमेज का कोई क्वेश्चन है इसके अंदर आप लोगों के जह में कोई केस स्टडी बना नहीं है जहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं डॉकर्स को अपने करंट एनवायरमेंट में डेवलपमेंट में स्टडी के दौरान समझते कहीं यूज कर सकते हैं इसको अच्छा चले ठीक है अच्छा जी ये मैंने चला दिया है इसके बाद मेरे पास मसला वही है कि माई एस के अंदर जो आपके पास क्योंकि इसमें डाटा तो डाटा से तो खेलना है ना तो डाटा तो ये अपने अंदर रख लेगा लेकिन मसला जो ही मैं इसको ख़त्म करूँगा तो डाटा भी ज़ाया हो जाएगा तो इस तरह की एप्लीकेशन जिसमें माया स्किल है रेडिस है मतलब तो जो कैशे सिस्टम होते हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें प्रसिस्ट करनी होती हैं उनके अंदर ज़रूर उन्होंने आपको ना माउंटिंग की डिटेल बताई होगी कि इस तरह आप माउंटिंग कर सकते हैं तो अगर मैंने माया स्किल की माउंटिंग करनी हो तो मैं कहीं भी फोल्डर क्रिएट करके अपनी हार्ड डिस्क पर कहीं खाली फोल्डर बना के इसको दे दूंगा तो ये जब चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ें वहाँ रख लेगा खुद ही ठीक है तो मैं इसको एक बार मूव कर देता हूँ और हम अब से चलाते हैं माउंटिंग के साथ ताकि मेरी चीज़ें परसिस्ट हों डॉकर रन ठीक है माई रूट पासवर्ड वही है और आगे मैंने वॉल्यूम में कह दिया कि इस फोल्डर में डॉकर सीरीज के अंदर माई एसके डाटा का फोल्डर है और उसको अंदर वाले फोल्डर से ये वायरलिप माई एक्सकेल से करो इज़ द कन्फ्यूजर में और कुछ नहीं है हमें ये समझ नहीं आती कि ये मतलब मैस को चलाना है तो ये क्या उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दिया पढ़नी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन में दिया होगा जो भी आप एप्लीकेशन डॉक्कर में चलाना चाहते हैं आपको उस इमेज की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी कि कौन से माउंट अवेलेबल हैं कौन से मुझे चलाते वक्त फॉलो करने हैं रूल बस यही कम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर और कोई कम्पलेक्सिटी नहीं है डॉक्कर में तो ये उसने बताया हुआ है कि आप ये वाला पाथ अपने किसी फोल्डर से मैप करेंगे तो वो यूज़ करेगा और ये पासवर्ड कैसे सेट करना है वो बताया हुआ है अगर आप पढ़े बगैर ट्रैक कमांड चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर मसले बहुत आएंगे ठीक है इसको स्टार्ट करते हैं ये मेरा मैसर चल गया अब मैं जाता हूँ वर्क बेंच के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ लेट मी ओपन वर्क बेंच ओके सो पायड डिफॉल्ट थ्री थ्री जीरो सिक्स पर चल रहा है मेरा मायास्क तो यहाँ पे मैं एक बनाया हुआ है अगर आपको वर्क बेंच का आइडिया तो आप कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं जिसके अंदर डिटेल डाल देते हैं यहाँ मैंने इसका पासवर्ड डाला हुआ है तो आई थिंक ये चल जाएगा मेरा ख्याल है ये जी कनेक्ट हो गया है आ, ये वाला तो मैंने डाटा पहले क्रिएट की हुई थी उस लोकेशन पर इसलिए ये वाला आया अगर मैं वो ना लोकेशन कोई और देता तो नहीं आती अब वो 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 प्रसिद्ध थी इसलिए मायास्क्ल का कंटेनर मैंने अभी भी चलाया तो वो चीज़ें मुझे सारी की सारी मिल गई जो उसके अंदर पड़ी हुई थी ठीक है तो ये इसमें खैर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है ये मैं दोबारा फ्रेश भी बना सकता हूँ ये मैंने कमांडें फीड की थी ताकि अगर आपको डेमो में दिखाना चाहूँ तो दिखा सकूँ कुछ डाटा भी डाला हुआ है इसके अंदर मैंने इस तरह करके ठीक है तो ये मैं आप कंटेनर से कनेक्टेड हूँ कंटेनर के साथ कंटेनर स्टॉप करूंगा तो ये काम करना बंद कर देगा तो आप इसको वर्क बेंच की बजाय पी में एक्सेस कर सकते हैं जिसना मर्ज़ी करें वो तो वायस्कुर का डाटा बेस इंजन चल रहा है जिस मर्ज़ी एक्सेस करें उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है आर वेरी गुड मैं ये सारे काम तो थे मैंने डेमो में कि ये सारे कुछ सामने करूंगा ये स्टेट, टेबल क्रिएट करने वाला काम लेकिन आई थिंक वी कैन स्किप दैट और हम आगे की तरफ चलते हैं और ठीक है नोट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका ये मैं इसलिए इंशोरेंस चलने देता हूँ और चलता हूँ नोट की तरफ कि नोट में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको थोड़े से उसमें प्रॉब्लम आएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक और इशू है डॉक्टर की अडोपशन में डॉक्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है अडोपशन करते वक्त अच्छा जी ये आते हैं हम अगली एग्जाम्पल में बच्चों मेरे साथ ही है ना कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा इसके अंदर नो सर क्लियर है समझ रही बात की यस yes, सर अच्छा जी सर क्लियर है ठीक है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें अगेन uh, मैं नोड की एग्जांपल दे रहा हूं फिर पीएचपी की एग्जांपल भी दूंगा इंशाल्लाह मेरा ख्याल डॉट नेट रह लेकिन बाकी हम देख लेते हैं तो इसमें अगर आपने नोड में पी से बात करनी हो तो ये मेरे पास पैकेज है वो मैंने स्कूल को इम्पोर्ट किया है कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं लोकल होस्ट पे करना है रूट अगर मुझे पता हो अपने सर्वर का नाम आईपी तो वो दे दूंगा मैं लोकल का है रूट वन टू थ्री डाटा का नाम और फिर मैं जाके सिंपल डाटा पकड़ के ना वहाँ से क्यूरी करके उसको कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूँ ठीक है डाटा को प्रिंट कर रहा हूँ जो भी डाटा मेरे पास टेबल से आता है और ये ए पोर्ट पे चल रहा है यानी जब मैं पेज को एक्सेस करूंगा जब भी हिट किया करूंगा तो बेसिकली ये मेरे पास डाटा को प्रिंट कर देगा ठीक है पेज उधर कंसोल के ऊपर ये इसमें काम हो रहा है मैं इसको खुद भी चला सकता हूँ मेरा सर्वर चल रहा है ना तो अगर मैं विदाउट नोड की बात करूँ कि मैंने इसको कंटेनर के बगैर चलाना है कैसे चलाऊंगा जी नोड एप्लीकेशन है नोड थ्री के अंदर हूँ ओके okay, एन पी इंस्टॉल कर लें एक दफा अब आप जूम कीजिए कि मेरा माई एस कहीं चल रहा है आपको ये में सोचने की जरूरत है वो कंटेनर में चल रहा है वो कहीं भी चल रहा है ठीक है और मुझे पता है कि वो किस आईपी पे चल रहा है और किस पोर्ट पे चल रहा है तो मैंने वो पोर्ट और आई पी यहाँ पे दे दी है आ, नोड हो या पीएचपी हो ये मैटर नहीं करता अब मैं उससे कनेक्शन की ट्राई करता हूँ तो मैं खैर अपनी एप्लीकेशन चला के देखता हूँ कि ये चलती है कि नहीं चलती सर्वर डॉट जी एस करते हैं सर्वर चल गया ये रुका हुआ यहाँ पे अब अगर मैं ब्राउजर में जाके ए टी ए टी पे एक्सेस करूंगा इसको एप्लीकेशन को तो चलनी चाहिए चल रही है लेकिन साथ ही आप नोट करें कि मेरे पास यहाँ पे लॉग पे ये चीज प्रिंट हो रही है इसके अंदर लेकिन अभी मैंने इसको सिंपल किया ना यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है इधर तो एक सेकेंड इसमें क्या हो रहा है आ, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है सॉरी वन सेकेंड वन सेकेंड हम्म हम्म ये हमारा सर्वर डॉट जे एस नोट कोई मिस्टेक होगी ना हम नोट थ्री में बैठे हुए हैं इसीलिए गड़बड़ हो रही है सॉरी माय मिस्टेक हमने नोड फोर में जाना है नोड फोर में ये फोल्डर ये चलाना था हमने मैं गलत फाइल को चला रहा था नोड थ्री को चला रहा हूँ यहाँ पे चलाते हैं एन पी एम इंस्टॉल नोड फोर के फोल्डर में ओके okay. और नोड सर्वर डॉट जी चल गया इसके बाद जाते हैं ब्राउजर में और इसको रिफ्रेश करते हैं तो हेलो वर्ल्ड आना चाहिए बिल्कुल ठीक है हेलो वर्ल्ड आना चाहिए और देखिए हमने क्या कहा हुआ है जब भी रिक्वेस्ट आती है ना तो ये डाटा भी इसको हिट करता है और डाटा को ला के गैट डाटा का फंक्शन कॉल करता है जो कि प्रिंट कर देता है तो ये नीचे प्रिंट हो रहे हैं ठीक है अगर आप इसको आप नोट कीजिए मैं अगर आपको इस तरह दिखाऊँ इस तरह करके तो नीचे देखिए वो प्रिंट कर रहा है तो इसका आपको कोड चल रहा है इसमें सिर्फ मैंने ये दिखाया है कि हम नोड एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रहे हैं माई एस के एप्लीकेशन को जो कंटेनर में चल रही है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ चल रही है मैटर ही नहीं कर रहा बस ये ये मेरा पॉइंट था इस चीज़ की डेमोस्ट्रेशन से कंट्रोल सी किया बाहर आ गए हैं अब अगला टारगेट क्या है हमारा कि हम इसको कंटेनर में चलाते हैं इसको भी यानी नोट भी कंटेनर में चलेगा और पाए इसके पहले कंटेनर में चल रहा है अब इसको हम कैसे देखेंगे ये हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी जो कि हम इसको रिजोल्व करेंगे ठीक है वो क्या आएगी तो पहले मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसे कंटेनर में चलाऊंगा तो क्या होगा ठीक है तो अगर हम इसको चलाते हैं कंटेनर में नोड uh, फाइव वाली एग्जांपल पे चलते हैं ये मेरी एग्जांपल है ये सर्वर डॉट जे है अगर मैंने इस एप्लीकेशन को चलाना है कंटेनर में कंटेनर के थ्रू चलाना नोड के, के थ्रू तो वी नो वी हैव टू ऑप्शंस पहली ऑप्शन ये कि मैं ये सारा कोड डालूं और एक इमेज बिल्ड करूं और उस इमेज को रन करूं और दूसरी ऑप्शन ये कि मैं नोड का कंटेनर रन कर दूं माउंटिंग करके ये ऑप्शन मेरे पास है ना इसको इसको मैंने चलाना है कंटेनर में ठीक है डाटा बेस को भूल जाए एक सेकंड के लिए इसे मैंने कंटेनर में चलाना है तो मैं कंटेनर में कैसे चलाऊंगा मैं इसको कहूंगा जी के वो मैं कमांड का पता है पहले हम यूज करते रहे हैं ये वाली कमांड है मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाली कमांड हम कहते हैं कि नोड का कंटेनर चलाओ और इस माउंटिंग के साथ कि जो ये मेरा नोट फाइव का फोल्डर है इसको अंदर यूजर सोर्स के फोल्डर से मैप कर दो ठीक है और ये जो बन जाएगा जब ये कंटेनर में चल जाएगा फिर मैं उस कंटेनर के अंदर जाके खुद सर्वर डॉट जी करूंगा तो मेरे पास सर्वर चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी मैं इमेज बिल्ड नहीं कर रहा ऑटोमेटिक चलने वाला काम नहीं कर का रहा ये बात मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी आपको ये वाली बात कि कैसे हम नोट के साथ माउंटिंग करके चीज़ें चला सकते हैं तो अगर मैं इसको चलाता हूँ रन इट तो मेरे पास ये हम कंटेनर में चल गया कोड माउंट हो गया है नोड का इन्वायरमेंट है लेकिन अभी मेरी एप्लीकेशन नहीं चली अब मगर मैं इस एप्लीकेशन को चलाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे जाना पड़ेगा सी डी यूज़र सोर्स के फोल्डर में क्योंकि वहां मेरा कोड पड़ा हुआ है सारे का सारा बाहर वाला कोड यहाँ पे आ गया है नजर आ रहा है कॉपी नहीं हुआ नज़र आ रहा है अब अगर मुझे चलाना है तो क्या करूंगा मैं सिंपल नोड सर्वर डॉट जी एस कहूँगा ओके ये चल गया अगर मैं ब्राउज़र में जाके एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ एटी एटी को तो मेरे पास ये देखिए हेलो वर्ल्ड चल गया और मुझे यहाँ पे एक एरर आ रहा है ठीक है वो एरर ये आ रहा है कि कनेक्शन नहीं हो पा रहा उसका रिफ्यूज़ कर दिया उसने अच्छा इस इशू से पहले इस इशू से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ वो यहाँ करता हूँ हमने टेस्ट किया था उसको इस तरह करके तो मैं इसको जरा वापस करता हूँ और ये करता हूँ अच्छा थोड़ा सा ज़रा अज्यूम कीजिए ये मैंने कोड लिखा है अगर मैं इस तरह कोड चलाता हूँ कंटेनर के अंदर बैठ के चलाता हूँ आप सोचे आप कंटेनर में चले गए तो जो नोड सर्वर का कोड चल रहा है इसको जब एक हिट आती है और ये कनेक्शन बिल्ड करने जाता है तो अंदर के इन्वायरमेंट में ये ब्लैक बॉक्स है ना एक बाउंड्री के अंदर बैठा हुआ है तो इसे क्यों नहीं मिला इसे लोकल होस्ट और ये वन थ्री जीरो क्यों नहीं मिला एरर क्यों आया पहले चल गया था कोड ये वाला कोड लोकल होस्ट वाला अब नहीं चला क्या कहते हैं थोड़ा सा जीन पे जोर डालें समझ आ जाएगी बात की पहले मैंने यही कोड यही कोड चलाया था जेएस का डॉकर के बगैर तो वो माई से उसने कनेक्ट कर लिया था वही कोड है लोकल होस्ट लिखा हुआ है लेकिन अब मैं कोड चला रहा हूँ कंटेनर के अंदर जाके तो अब वो मुझे एरर दे रहा है कनेक्शन रिफ्यूज का क्या रीजन हो सकती है इसकी गैस गैस करें गलत होगा कोई मसला नहीं गैस करें क्या रीजन होगी आपके ख्याल में कोई किसी का गैस नहीं है गलत गैस भी नहीं है कंटेनर तो कंटेनर एक्सपोज करना पड़ेगा जी बिल्कुल बिल्कुल तो मसला ये आ रहा है यहां पे जो मैंने एक पॉइंट बोला था आपसे पहले कि कंटेनर जो ये चीज चल रही है ना ये ब्लैक बॉक्स में चल रही है तो आपका ये जो नोट जी एस जब इस कंटेनर में चल रहा है ना तो और आप इस कंटेनर में लोकल होस्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब विद इन कंटेनर है इसका मतलब विद इन कंटेनर कंटेनर है आप कंटेनर के अंदर अंदर बात कर रहे हैं इस कंटेनर के अंदर उसको कहीं पे भी थर्टी पोर्ट नहीं मिली इस कंटेनर के अंदर जब कंटेनर के बगैर चला रहे थे फिर तो मेरा प्रिंटिंग सिस्टम आ गया था ना तो मेरे प्रिंटिंग सिस्टम पे तो वो थर्टी थ्री वाला कंटेनर यहाँ पे इस कंटेनर के इनसाइड इसको वो एप्लीकेशन नहीं मिली ठीक है तो जब मैंने ये दो कंटेनर चलाए हैं ना मैंने दो कंटेनर रन किए ना एक ये कंटेनर है और एक दूसरा कंटेनर कंटेनर है है तो दोनों कंटेनर आपस में एक नेटवर्क के अंदर चल रहे हैं ठीक सो लेट मी शो दैट याद होगा मैंने शुरू में कुछ पॉइंट बोले थे आपको वॉल्यूम पोर्ट्स और नेटवर्किंग अब ये वो कहानी आ गई है इस मसले को हल करने लगा हु ये कॉमन मसला जब आप भी जाएंगे तो आपको यही फेस होगा जो आपने दो कंटेनर चलाए हैं तो दोनों कंटेनर बेसिकली एक लोकल नेटवर्क में चल रहे हैं इनका अपना एक नेटवर्क बन गया हुआ इस तरह करके ठीक है ये एक लदा समय मशीन है ये एक मशीन है तो जब आप इस मशीन पे बैठ के इस मशीन पे बैठ के इस कंटेनर में बैठ के लोकल हाउस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा मशीन पे जब लोकल हाउस करते हैं इसका मतलब क्या होता है आपकी मशीन ही होती है ना ये वाली जो मशीन जिसमें बैठा हूं मैं लोकल हाउस कर रहा हूँ उसका मतलब वही होता है ना तो ये दोनों आपस में एक नेटवर्क से कनेक्टेड है इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट नेटवर्क यानी बाय डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क बनता है डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क होता है उसमें दोनों कनेक्टेड है हम अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं नेटवर्क कि जी हम अपना 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 नेटवर्क बना सकते हैं उससे कुछ फ़ायदे हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको तो हमेशा आपको अपना नेटवर्क बनाना चाहिए डिफॉल्ट यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन आप इसको हल कैसे करें क्योंकि मैं यहाँ पे लोकल होस्ट दूंगा वन टू सेवन दूँगा तो ये तो यही मशीन रहेगी तो मैंने इसको एक्सेस करना है यहाँ माइस को चल रही है मैंने इससे कनेक्ट करना है इधर से इसके थ्रू कनेक्ट करना है तो आप किस तरह कनेक्ट करते हैं कि दूसरी मशीन से अगर आपकी किसी दूसरी मशीन के ऊपर कोई सर्विस चल रही हो डेटाबेस चल रही हो या कोई चीज चल रही हो तो कैसे कनेक्ट करते हैं उसको उस का नाम, उस उस मशीन 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 का 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 नाम देके या आईपी दे तो अगर मुझे इस इस वाले कंटेनर का आईपी मिल जाए तो मैं उसका आईपी पी यहाँ पे दूंगा तो ये बात कर लेगा लोकल होस्ट करूंगा तो कभी नहीं करेगा क्योंकि लोकल होस्ट तो इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है ना तो मुझे इसका आईपी देना पड़ेगा तो मुझे पहले इसका आईपी निकालना पड़ेगा वो हम आई कैसे निकाल सकते हैं जी आप पहले तो यहाँ से बाहर निकलते हैं दो तरीके हैं उसके हैं एक आप उस कंटेनर के अंदर जाएं और आई पी कन्फ्यूज यहाँ जो इफ कंफ्यूज होता है वो कमांड चलाएं वहां पे तो आपको उसका आई मिल जाएगा दूसरा तरीका ये है कि आप इंस्पेक्ट कर लें हमारे पास कमांड होती है इंस्पेक्ट की ठीक है तो मैं कह सकता हूँ पहले तो कंटेनर का नाम क्या था मैं भूल गया हूँ जो हमारा माई एसक्यूल कंटेनर है उसका नाम था माई एस माई टेस्ट एस तो मैं कमांड चला सकता हूँ डॉक्टर इंस्पेक्ट माई टेस्ट एस जिससे आपको इस कंटेनर की सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी कहाँ कहाँ पार्ट माउंट हुए हैं कौन कौन से आई पी इसको मिले हैं डिफॉल्ट गेट वे क्या है जिस तरह एक मशीन की डिटेल होती है इसका होस्ट नेम क्या है ठीक है ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे इसने दी हुई है हम किस डिटेल में इंटरेस्टेड है ये देखिए जो मैं बाइंड की बात कर रहा था आपसे माउंटिंग जो की हुई है आपने ठीक है हम किस चीज में इंटरेस्टेड है हम आईपी एड्रेस में इंटरेस्टेड है ये इसको आईपी एड्रेस असाइन हुआ है

ये करता हूँ और अब मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा चलाता हूँ अपने कंटेनर के अंदर जाके जो मेरा कंटेनर था डॉकर कंटेनर एल चल रहा है ये वाला माई एस वाला इसको मैं करता हूँ डॉकर ई एक् जी आई टी ठीक है और इसका नाम और बैश ये इसको अंदर जाने का तरीका हमारा है माई एस क्यूएल नोट टेस्ट और बैश ये हम कंटेनर के अंदर आ गए सी डी यूज़र स्लैश करते हैं क्या फोल्डर था जो माउंट किया था हमने हाँ सोर्स था आई थिंक एल करते हैं ये हम आ गए हैं नोट करते हैं सर्वर डॉट जीएस करते हैं ये चल गया अब अगर हम चला के देखते हैं एप्लीकेशन को तो ये डाटा आना शुरू हो गया और बाय द वे आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ से पिंग करके देख सकते हैं कि क्या मेरे पास वो जो सर्वर है वन टू सेवन डॉट सेवनटीन ज़ीरो डॉट टू हो रहा है कि नहीं हो रहा अगर right है से, और अगर आप यहाँ पे इफ करेंगे तो आपको इस इफ वाले कंटेनर में नहीं है क्योंकि लाइट वेट है है ठीक क्योंकि तो उन्होंने इस इमेज में नोड वाली इमेज में इफ को यूटिलिटी स्किप की हुई है डाली नहीं हुई इसका पार्ट नहीं बनाई हुई जी ये बात आई समझ नेटवर्किंग थोड़ी बहुत समझ आई ठीक है ठीक है नहीं तो नहीं ये नहीं जब आप डॉकर पे जाएंगे तो ये मसला आपको आएगा ये बड़ा एक कॉमन सा मसला है और ये आपको एक परेशानी क्रिएट करेगा ठीक है अब अगर मैं आपसे यही कहूँ कि जी आप इसकी इमेज बिल्ड करें तो वो वही होगा आप सिंपल इसकी इमेज बिल्ड कर लेंगे जैसे पहले हमने इमेज बिल्ड की थी और इमेज बिल्ड करके उसको रन भी कर सकते हैं उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है बिल्कुल ठीक है और अगर मैं यहाँ से बाहर आता हूँ मैं कंटेनर का लॉग देखना है तो मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको दोबारा बता देता हूँ डॉकर आप लॉक्स करके नाम देंगे इसका जो भी नाम था माई एस क्यूएल नोड नहीं क्या हाँ नोड टेस्ट था लॉक मिल जाएगा आपको इसका ठीक है जो लॉक वहां जनरेट हुआ था और अगर आप इसको करेंगे डैश तो लास्ट टेन देखने लें तो टेल का फ्लैग होता है वो दे दें तो आपको लास्ट टेन लाइन्स मिल जाएंगी लॉक की जो लास्ट टेन लाइन्स थी ठीक है वो इस तरह आप लॉक्स भी देख सकते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए इनको मैं क्लियर करता हूँ और फिर मैं आगे चलता हूँ ये दोनों कंटेनर रिमूव कर देते हैं और अगले काम की तरफ चलते हैं ठीक है जी अच्छा अब हम चलते हैं आगे और अपने यूजर डिफाइंड नेटवर्क बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम उसकी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपके पास कमांड होती है नेटवर्क की मैं कहता हूँ डॉकर नेटवर्क क्रिएट और आगे हम नाम दे देते हैं उसको अपने नेटवर्क का तो ये हमारा एक नेटवर्क बन जाएगा बनेगा नेटवर्क ब्रिज ही होगा और हम ये चाहेंगे कि हम अपना नेटवर्क बनाएं और जो हमारे कंटेनर हो जो जैसे जी दो कंटेनर कठेन दोनों ने कठे चला है ना हमारे एप्लीकेशन में जो दोनों इसका पार्ट हूँ उसके फायदे हैं अगर आपके कंटेनर नेम्ड नेटवर्क का पार्ट होंगे जैसे मैं बनाने लगा अभी तो फिर आपको आई पी की बजाय जो कंटेनर का नाम होता है ना आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं फिर आपको उसकी जरूरत नहीं होती क्या कहते हैं नाम देने की आ, आई पी देने की जरूरत नहीं वरना तो बड़ा मसला है ना देखिए अभी मैंने नाम ढूंढा है दोबारा कंटेन चलूंगा नया आई पी मिल जाएगा उसको कोई और मिल जाएगा फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा तो अगर आप सेम नेटवर्क में चलाएंगे डिफॉल्ट की बजाय तो फिर आप जो कंटेनर का नाम रखेंगे आप उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं जैसे मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे आगे दिया हुआ था ठीक है सो so, मैं चलता हूँ नई एग्जाम्पल के अंदर सेवन की एग्जाम्पल के अंदर जिस चीज़ वही है फर्क नहीं है जस्ट मेक श्योर यहाँ पे हमने नाम देना है मैंने नेटवर्क क्रिएट कर लिया है अब मैं अपनी चीजें चलाता हूँ पहले मैं चलाता हूँ माई एस चला देता हूँ ठीक है गेंद वही काम है पाथ दे रहा हूँ और माई एसक्यूल का दे रहा हूँ पोर्ट कर रहा हूँ कुछ चीज नहीं, नहीं की इसके अंदर सिर्फ नेटवर्क मैंने दे दिया साथ फ्लैग कि इस नेटवर्क के अंदर चलाना है इस कंटेनर को ठीक है ये मेरा माई एसक्यल चल गया उसके बाद मैं नोड चलाता हूँ अच्छा जी नोड चलाने के लिए हम इमेज बिल्ड कर लेते हैं अपनी इमेज बिल्ड कर सकते हैं तो मैं सेवन के अंदर खड़ा हूँ तो मैंने यहाँ पे डॉकर फाइल बनाई हुई है काम वही है ये वाला काम करो और फिर एन इंस्टॉल करो और कॉपी करो ये पैकेज वाली लाइन एक्स्ट्रा है बेनिफिश बेनिफिट ऑप्टिमाइजेशन के लिए और फिर जैसे हमने पहले नोट को चलाया था वो चला दो ठीक है तो वरना आप जैसे भी हमने काम किया वो भी कर सकते हैं लेकिन इस केस में हम कमांड इमेज बिल्ड कर लेते हैं नोट की और उसके अंदर हमने नाम दे दिया हुआ है ये नोट कीजिएगा इसका तो माई एसक्यूर माई टेस्ट एसक्यू एंडस्कोर नेट हमारे इसका नाम है माई स्केल इंस्टेंस का ठीक है हमारे इस वाले इन्वायरमेंट के अंदर तो इसकी कमांड बना इस वाले को बिल्ड कर लेते हैं इस इमेज के नाम के साथ लेट्स बिल्ड इट तो ये हमारी एक नोड की एप्लीकेशन के साथ इमेज बिल्ड हो गई है इसको चला लेते हैं ठीक है तो मैं इसलिए कमांड लिख नहीं रहा सारी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपको समझ आ चुकी होगी मेरा ख्याल है बेसिक तो मैं अगर चलाता हूँ अपना अब कंटेनर चलाना है अगर मैंने तो मैं कहता हूँ कि जो मैंने अभी क्रिएट किया है ये वाला नोड की एप्लीकेशन क्रिएट की है इसको आप इस वाले इमेज को रन करो उसका नाम ये दो ये वाली पोर्ट एक्सपोज करो और इस नेटवर्क का पार्ट बनाना ठीक है तो ये मैंने माई एस चलाया है और नोड की एप्लीकेशन चलाई है इस तरह करके इस केस में मेरी नोड की एप्लीकेशन में मैंने अपने कंटेनर का नाम हार्ड कोड किया हुआ इस तरह करके अब अगर मैं ब्राउजर में चेक करता हूँ जाके तो मेरे पास 8080 पे एप्लीकेशन चलनी चाहिए और चल रही है प्रॉपर पता कैसे चलेगा कि डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा तो मैं वो इसके अंदर जाके देख सकता हूँ या लॉक कर सकता हूँ डॉक्टर डॉकर लॉग्स माई एस क्यू एल नोड टेस्ट अंडर स्कोर नेट ये देखिए तो इसके अंदर हमने लॉक करवाया हुआ था यहाँ पे ये यह देखिए हम लॉक करवा रहे हैं ना ये चीज़ें तो जो जो लॉग में पड़ा हुआ था उसने मुझे वो लॉग दिखा दिया तो इच मीनस के डाटा से बात हो रही है हमारे इस कंटेनर की थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजिंग है अगर आप नोड के थोड़े से फेमिलियर होते तो ये ज्यादा आसान लगता बट ठीक बच्चो, है बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है नाउ आई विल गो टू द लास्ट एग्जांपल। वैसे एग्जांपल तो 21 बाईस थी लेकिन मैं एग्जांपल कराना चाहता हूँ डॉक्टर कम्पोज की फिर हम इसे क्लोज करते हैं यहाँ तक बता दें मुझे कोई मसला है तो क्लियर है सर ओके सो अभी आपने नोट किया कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ कि जी आलदा एक कंटेनर बनाया और फिर दूसरा लैदा बनाया और नेटवर्क लैदा बनाया और उनको फिर चला रहा हूँ तो अगर मेरी तीन एप्लीकेशन होती है मुझे तीनों को अलग अलग करना पड़ता और फिर ये रन की कमांड और नेम और ये सारे काम करने पड़ रहे हैं क्या इसका आसान हल है जी हल है हमारे पास एक और यूटिलिटी है उसका नाम है डॉक्टर कम्पोज यूटिलिटी वो तो डॉक्टर कम्पोज यूटिलिटी ये काम करती है कि बेसिकली वो आपके पास उसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन के जितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो सारे कॉन्फिगर कर देते हैं और एक कमांड देते हैं वो ऑटोमेटिकली सारे कंटेनर रन कर देती है और एक कमांड देते हैं सारे कंटेनर डाउन कर देती है दैट्स द मेन बेनिफिट ऑफ डॉकर कंपोज ठीक है तो अगर हम डॉकर कंपोज में चलते हैं तो उसके लिए होता क्या है आपके पास सिंपल एक फाइल बनती है पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा डॉकर कंपोज उसका भी लेदर इंस्टॉलेशन होती है डॉकर कंपोज की उसके बाद आप एक फाइल क्रिएट करते हैं डॉकर डैश कंपोज डॉट येमल के नाम से येमल एक जेसोन -like है से हैं कर्ली से। तो यहां पे ये जो होते हैं ये, बताते ही है कि ये जो डी बी है ये सर्विसेज का पार्ट है ठीक है इस तरह ये मैंने जो आगे लिखा स्पेस देखे ये डीबी का पार्ट है तो तरीका वही है डीबी डॉट इमेज या डीबी को हम एक ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं उसमें तीन एट्रीब्यूट है काम वही कर का रहे हैं लेकिन ये एक और स्टाइल है जो बड़ा फेमस है कॉन्फिग्रेशन के लिए तो फाइल क्रिएट की है उसमें वर्जन दे देते हैं हम यहाँ डॉकर कंपोज का और फिर हम सर्विसेज के अंदर अपनी सर्विसेज डिफाइन करते हैं जितने हमारे कंटेनर रन करने होते हैं आपने तो क्या गैस कर सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है ये मैंने ये जो काम किया ये क्या किया काम जरा गैस कीजिए प्लीज मेरा ख्याल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये वाला सर यू सारे पैरामीटर्स को डिफाइन किया है कि इमेज जोन से हमने लेनी है वो माय का लेटेस्ट वर्जन ले लो लोकल कंटेनर का नाम ले रहे हैं वो ये नाम दे दो

बताना चाहते हैं कि वेब जो है वो डीबी पे डिपेंडेंट है इसका मतलब ये कि पहले डीबी को स्टार्ट करना डीबी चले फिर वेब को चलाना तो ये डिपेंड जोन का वेरिएबल ये आपको हेल्प कर रहा है और आखिर में आपने नेटवर्क बता दिया है कि मेरे नेटवर्क कौन से हैं आपने कहा माई टेस्ट नेट तो बेसिकली वो इस नाम के साथ कुछ जोड़ के अपना नेटवर्क क्रिएट करेगा और इन दोनों को चूंकि आपने यहाँ मैंशन किया हुआ है नेटवर्क का वेरिएबल ये देखें तो दोनों को इसका पार्ट बना देगा जो हमारी ख्वाहिश भी है और आगे हमने एप्लीकेशन के अंदर पहले भी ये वाला नाम इस्तेमाल किया हुआ है ये वाला तो ये जब करते हैं काम सारा आसान हो जाता है कैसे आसान होता है लेट मी शो यू मैंने फाइल बना ली मुझे बार-बार वो डैश डैश रन डैश, डैश डैश नेम ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं सिर्फ क्या कहूंगा डॉकर कंपोज डॉकर कंपोज डैश अप ठीक है सिंपल कमांड दूंगा ये वाली तो मेरे पास ये चलना शुरू हो जाएगा सारे का सारा मैं देख रहा था आप है और अगर डिटैच मोड में चलाना है तो डैश डी की कमांड है या मेरे लिए सारे काम वो नेटवर्क क्रिएट करने वाला काम और जो करना है कंटेनर चलाना है ये देखें चल गए अगर वेरीफाई कैसे करेंगे आप डॉकर कंटेनर एल तो क्या मेरे पास दो कंटेनर चल गए हैं अच्छा चल गए हैं और ये किस पोर्ट पे चल रहा है ए टी, -टी पे चल रहा है ब्राउजर में चेक करते हैं है भी कि नहीं है ये नहीं चल रहा है अभी भी और अगर आपने ये डाउन करना है तो सिंपल कमांड है डॉकर कंपोज डाउन तो ये आपके पास डाउन कर देगा इसके अंदर और भी चीजें कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर पास करने आप वो भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत कंडीशनिंग भी कर सकते हैं ये वाली और डाउन कर सकते हैं जी अगर इस अप्रोच से हम मल्टीपल कंटेनर्स को चला रहे होते टाइम तो हम रन टाइम पर किसी कंटेनर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं

ठीक है अब चलते हैं डॉक्कर डैश आई आगे हम चलेंगे हमारे नाम क्या है कंटेनर का ये ठीक है जी और बैश फ्लैग वाला काम ठीक है जब हम उसके अंदर आ गए अब यहाँ पे पैलेस ले।, ले लेकिन अब चूंकि ये कंटेनर का पार्ट था आप यहाँ पे इस फाइल को चेंज करेंगे दोबारा चलाएंगे तो ये इसके अंदर रहेगी जो ही कंटेनर रिमूव होगा ये खत्म हो जाएगी क्योंकि हमने माउंटिंग नहीं की हुई ना तो ये माउंटिंग वाला काम यहाँ पे नहीं चलेगा तो ये जो ये बात बता रहा हूँ ये प्रोडक्शन की बता रहा हूँ प्रोडक्शन में आप कोड उस तरह चेंज नहीं करना चाहते प्रोडक्शन में तो कोड आपका जो भी डिप्लॉयड पार्ट होगा वो कंटेनर इमेज का पार्ट होगा आपने सिर्फ कमांड देनी है वो प्रोडक्शन में सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा अगर आपने कोई बग फिक्स किया है कोई चीज नहीं की है तो आपको नई इमेज डिप्लाई करनी पड़ेगी ठीक हो गया सर ठीक है ओके तो ये डॉकर कंपोज है इसके अलावा फिर आगे पीएचपी की सीरीज़ थी और फिर मेरे पास डॉट नेट की थी मेरा ख्याल टाइम भी हो गया मेरे भी पास हो गले की तो मैं कुछ आखिर में स्लाइड दिखाता हूँ और फिर कोई नेक्स्ट टाइम का भी स्लेशन प्लान करेंगे उसके लिए भी या मेरा प्लान है इसकी एक रिकॉर्डेड सीरीज बनाने का वो थोड़ी सी कन्साइज होती है अच्छा आ, ये डॉकर इंस्टॉलेशन का लिंक है मैंने मेंशन किया हुआ है डॉकर हब की बात कर ली हमने ये मैंने बात की थी आपसे माउंटिंग की ये बड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि आपको समझ आ गई होगी ठीक है और दूसरा नेटवर्क की बात थोड़ी सी की है ये ब्रिज नेटवर्क की कहानी मैंने थोड़ी सी बताई है कि आप नेटवर्क हमेशा अपना क्रिएट करें इसके बेनिफिट है जिसमें लेबल का एक बेनिफिट है और वैसे भी रिकमेंडेड है कि आप अपने नेटवर्क बना के उनको ऐड करें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए डॉक्टर कंपोज का यहाँ पे दिया हुआ है कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप और उसके अलावा Uh, मैंने वैसे गिट पॉट का बताना था वो बता देता हूँ आपको आखिर में पाँच दो चार मिनट लेके लेकिन पहले मैं स्लाइड्स क्लोज़ कर लूँ अपनी ठीक है सो लेट्स गो टू दिस ये सारे मैंने यहाँ तक कर दिए काम आपके फोटीन तक हो गए फिफ्टीन पे फिर आगे पी और अपाची था और फिर .net की कहानियाँ थी और आखिर में मैंने गिट पॉट का दिखाना है आपको गिट पॉट क्या चीज़ है उसका बताना है और ये थोड़े से क्वेश्चन वैसे जिनमें आते हैं क्या डॉकर अकेला है इस इंडस्ट्री में नहीं अब डॉकर अकेला कंटेनर रन टाइम नहीं रहा स्टार्ट इसने किया था देखिए हमारे पास अब कंटेनर रन टाइम और भी आ चुके हुए हैं और जिसमें कंटेनर एक और है लेकिन जो हम बातें कर रहे हैं इमेज डॉकर रन ऐसे सब कुछ सेम है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कुबर uh, एक ऑर्चेस्ट्रेटर uh, स्ट्रेटर है इसकी मैं बात करना चाहूंगा एक मिनट के अंदर अब अज्यूम कीजिए कि की, मैं थोड़ा सा अब आप लोगों को जरा विजुलाइज करवाना चाहता हूँ कि हमें फ़ायदा क्या हो रहा है एक तो फ़ायदा आपने समझ लिया कि आपके डेव एनवायरमेंट में फायदा है मेरी मशीन पे नोड ना हो अपाची पी ना हो मैं सिंपल से कंटेनर चला के काम करके उनको स्टॉप कर दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, दोबारा चला लूं, दोबारा स्टॉप कर लूं, मल्टीपल वर्जन का चला सकता हूं, मेरी मशीन बड़ी लाइटवेट रहेगी मेरी मशीन पे मसला नहीं हो रहा एक तो ये मुझे बेनिफिट है दूसरा बेनिफिट ये कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो पैकेज हो रही है मैं उसको पैकेज करके सब कुछ उसके अंदर डाल के किसी को दे रहा हूँ या अपने लिए रख रहा हूँ और चला रहा हूँ तो सब कुछ उसके थ्रू चल रहा है मेरे डेव एनवायरमेंट में क्यू में प्रोडक्शन में तो मुझे वो जो डिप्लॉयमेंट के मसाइल थे वो ख़त्म हो गए इससे एक नई चीज़ उभरती है कि अच्छा अगर ऐसे हो सकता है और मेरा जो डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट है वो मेरी समझ से बाहर जा जा सकता है मुझे ज़रूरत ही नहीं बताने की कि उस मशीन पे इंस्टॉल करो मैंने बस देनी है ये फाइल पब्लिश करनी है डॉकर हब हाँ पे रजिस्ट्री में या फाइल देनी है और जो अगली टीम होगी ऑफ्स की टीम होगी उन्होंने सिंपल डॉकर रन कर देना है कहाँ रन करना है उस सर्वर पे कितनी रैम है कैसे वो मेरी हैडिक बाहर ख़त्म हो गई उस मशीन पे क्या इंस्टॉल होना चाहिए मेरी हेडिक नहीं है अब वहाँ पे पाची है या नहीं है वो इसका पार्ट बन गया है तो इसका मतलब ये है कि अब जो सर्वर टीम है जिन्होंने सर्वर मैनेजमेंट करनी होती है उनके पास ये कैपेसिटी आ गई है कि वो एक मशीन पे सौ कंटेनर चलाएं पचास कंटेनर चलाएं हजार कंटेनर चलाएं तो मतलब उनको तो टेंशन ही खत्म हो गई ना क्योंकि चीज़ें सारी बॉक्सड हैं कोई डिपेंडेंसी का इशू नहीं है कि ये वाली एप्लीकेशन करूंगा तो दूसरी इंपैक्ट हो जाएगी वो करूंगा तीसरी इंपैक्ट हो जाएगी ये मसाइल ही खत्म गए ना सारे के सारे तो इससे फिर एक में आता है कि इस तरह कितने कंटेनर हम एक मशीन पे चलाएंगे पांच चलेंगे दो चलेंगे दस चलेंगे और अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन को अगर मेरी एप्लीकेशन मैंने बनाई नोट की और मैं कहता हूँ कि इस एप्लीकेशन कि पांच इंस्टेंस चलाओ पांच सर्वर के ऊपर ताकि लोड बैलेंस हो सके वो कैसे होगा वहां पे एक कंसेप्ट आता है हमारे पास ऑर्चे का इनमें से एक बड़ा फेमस और दी मोस्ट फेमस है कूबर है ये वाला ऑर्चस्ट्रेटर है ये क्या करता है कि आप इसको बता देते हैं अपनी कॉन्फिग्रेशन दे देते हैं जैसे मैंने डॉक्टर कंपोज फाइल दिए फाइलों बता देते हैं कि ये कंटेनर है ये इमेज है ये इमेज है इस इमेज के मुझे पांच इंस्टेंस चाहिए इस इमेज के तीन इंस्टेंस चाहिए ये जो इंजन एक्स है ये तीन चलाना दो चलाना आप बता देते हैं डिजायर स्टेट फिर ये अपनी उनको मोनिटर करता रहता है और इसको आप मशीनें दे देते दे 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 हैं अच्छा जी उनको बोलते हैं वर्क वर्क मतलब बोल देते हैं मशीनें दे देते दे 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 हैं कि तुम्हारे पास ये पांच मशीनों का क्लस्टर है अब तुम्हें ये रिक्वायरमेंट आई है तुमने खुद मैनेज करना है किस मशीन पे क्या चलाना है कित, कितने कितने इंस्टेंट्स हैं कहाँ चलाने पड़ेंगे फिर ये आगे पॉड बना के चलाता है उसके अंदर तो ये आपके पास ऑर्चिट्रेटर यानी लोड बैलेंस कर रहा होता है या लोड बैलेंस करना बड़ा गलत होगा आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अचीव कर रहा होता है स्केजलिंग कर रहा होता है कोई अगर पॉड खराब हो रहा है तो उसको डिलीट करके नया बना रहा होता है तो ये सारे के सारे काम ये बैक एंड पे आपके लिए कर रहा होता है तो इसकी वजह से एक आपने और भी ट्रेंड सुना होगा ये कंटेनराइजेशन की वजह से एक और ट्रेंड आ गया है ट्रेंड तो नहीं आया नया नहीं पुराना है लेकिन ज़्यादा फेमस हो रहा है माइक्रो सर्विसेज का क्या आप अपनी एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विसेज में लिखें ताकि वो छोटी सी जो भी सर्विस हो वो इंडिपेंडेंट हो एक कंटेनर में चले वो कंटेनर दस चलाने, पांच चलाने हैं पाँच चलाने हैं वो ऑटोमेटिक हैंडल हो रहे हो आपको हैडिक ना हो तो लूजली कपड़ आपकी एप्लीकेशन डेवलप करें जो एक ट्रेंड फेमस होता जा रहा है फिर सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट इसकी वजह से ज्यादा फेमस होता जा रहा है कि अब आपके पास सर्वर का काम ही का खत्म हो गया जब सर्वर है ही नहीं है आपने एक का कोल लिखा है फंक्शन लिखा है वो डाल दिया है वो कैसे चल रहा है कहाँ चल रहा है कौन सा कंटेनर चला रहा है उसको ये मैटर नहीं करता आपके लिए और एक और वर्ड सुनेंगे अगर डॉक्कर की डिटेल में जाएंगे मोबी प्रोजेक्ट ये बेसिकली क्या है कि डॉकर वालों ने ही जो डॉकर का पूरा प्लेटफॉर्म है उसको तोड़ के कंपोनेंट्स में ओपन सोर्स कर दिया है आप वहां पे जाके अपना एक डॉकर का रन टाइम बिल्ड कर सकते हैं प्लग एंड प्ले के परस्पेक्टिव में आप कहते हैं मुझे ये चाहिए म्यूजिक चाहिए ये नहीं चाहिए तो आपको एक प्रॉपर डॉकर का रन टाइम मिल जाएगा उसको आप इस्तेमाल कर लें अपने ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है जी एनी क्वेश्चन इन दिस फिर मैं मैंट की चीज बताता हूँ और फिर हम इसको क्लोज करते हैं बात वाली। पॉड okay. okay. uh, उसकी मतलब uh, uh, कहानी समझ नहीं आनी थी अगर हम uh, किड पॉड एक डॉट uh, आयो एक साइट है बेसिकली जो कि ना आपको एक क्लाउड uh, प्रोवाइड करती है ठीक है <laughs> ये क्या करती है ये कहती है कि ये बिहाइंड सीन डॉकर को और गिट को यूज़ कर रही है ये आपको ऐसे करती है कि कहती है अपनी रिपोजटरी आप गिट हप पे गिट लैब पे, गिट बकिट रखें और अपनी रिपॉजटरी के अंदर आप एक फ़ाइल क्रिएट करें गिट डॉट यमल की थोड़ी देर के लिए डॉकर को भूल जाइएगा जो मैंने डॉकर का पढ़ाया सर आपको उसको भूल जाइएगा फिर ये कहती ये है कि हम आपके लिए क्या करेंगे आपके लिए ये कोड जो गिट आप पड़ा हुआ है ना इसको हम डाउनलोड करेंगे अपने पास डाउनलोड करने के बाद जो आपने यहाँ पे कमांड दी होंगी इधर फाइल के अंदर वो सारी कमांड चलाएंगे वो यहाँ पे हमने बताया हुआ है गिट पॉड और डॉकर फाइल के अंदर तो हम ये जो कमांड आपने यहाँ दी हुई हैं इन कमांड्स को चलाएंगे जैसे मैंने इसके अंदर से एक कमांड दी हुई है फ्रॉम की एम माइक्रोसॉफ्ट की ना एस की इमेज ये वाली है अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का डॉनेट का कोड .dotnet core कोर का कोड कंपाइल करना हो तो उसके लिए ये एस डी के होती है तो हमने ये कमांड इस फाइल में दे दी है और इस फाइल का पाथ उसको दे दिया है तो वो क्या करेगा रन टाइम पे इस फाइल को रीड करके आपकी इमेज बिल्ड करेगा फ्रॉम इसको यूज करेगा और फिर जो आपने डॉट गिट बॉट डॉट यमल में बोला हुआ है इसमें क्या बोला हुआ है हमने हमने कहा हुआ है कि ये कमांड चलाना डॉट नेट बिल्ड ये डॉट नेट की एप्लीकेशन को कमांड लाइन के जरिए बिल्ड करने की कमांड है डॉट नेट बिल्ड और आगे प्रोजेक्ट का नाम देते हैं और फिर बिल्ड करने के बाद रन करना हो तो आप कहते हैं डॉट नेट डिब्ग में जाके डीएलएल को रन कर देते हैं तो ये रन की कमांड है ये हमने अपनी फाइल के अंदर रख दी है इसके अलावा अगर मुझे और भी कुछ चाहिए होगा डिपेंडेंसी जिसमें मुझे अभी इसको चलाने के लिए ना इसको चलाने के लिए सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी है एस डी के मैं अपनी किसी भी फ्रेश मशीन के ऊपर एस डी के डाउनलोड करके इसे कंपाइल करके रन कर सकता हूँ तो मेरी इसमें ये रिक्वायरमेंट थी आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती हैं तो इस तरह की चीज़ें कहाँ मैंशन होती है नॉर्मली रीडमी मैंशन होती है नीचे लिखा होता है रीडमी में अच्छा जी कोड क्लोन करें फिर ये इंस्टॉल करें फिर एनपीएम इंस्टॉल करें रन करें फिर एन पी एम रन करें अब वो कमांड आपकी रीडमी से उन्होंने निकाल के कहा कि फाइल में डाल दें हम आपके लिए रन करेंगे और होगा वेंचुअली क्या वो दिखाने लगा आपको तो आप किसी भी गिट की डिपॉजिटी को इस तरह खोलेंगे ना गिट फोर डॉट आई लिख के स्लैश करके तो वो बेसिकली आपके लिए एक वर्क स्पेस क्रिएट करेगा और वर्क स्पेस के अंदर आपको एक ऑनलाइन आईडी देगा विजय स्टूडियो कोड की तरह का और आपके लिए प्री बिल्ड चीज़ें वगैरह बना के रख देगा तो इससे फायदा क्या हुआ कि मेरी मशीन पे या मैंने इस रिपोर्सिटी को टेस्ट करना है ना जो ये बनी हुई है तो ना मुझे अपनी मशीन पे कोई विजय स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ रहा है ना कोई चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ रही है और मैं काम कर सकता हूँ और ये सबके लिए यानी मेरी टीम में जितने लोग भी होंगे वो सारे इस रिपोर्सिटी को ओपन करेंगे काम करेंगे इधर से कमिट करेंगे गिटा में चला जाएगा कोड और कंपाइलेशन सारी मेरी क्लाउड में हो रही है देखिए चला है कंपाइल्ड हो रहा है और रनिंग स्टेट में भी आ गया है अब मैं यहां से इसको ब्राउजर में देख भी सकता हूं उसकी आउटपुट क्या है आई थिंक फाइव जीरो जीरो वन शायद वो दूसरा था ये वाला है ये देखिए मेरी एप्लीकेशन चल रही है इसके अंदर तो खैर मैं गिट पॉड की डिटेल में नहीं जाऊंगा अब ये कोड सारा अवेलेबल है जो मेरी पॉजिटिव है मैं यहाँ पे चेंजेस करके इसको टेस्ट भी कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ इसके साथ इस तरह की चीजें कर सकता हूँ ठीक है तो अब आप अज्यूम कर अपने प्रोजेक्ट का सोच सकते हैं जो आप किटा पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोई तो आपको अब आप अपनी मशीन पे चीजें सेट करने की और सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है आप इस तरह गिट पॉड के जरिए ऑनलाइन बैठ के इधर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और एटलीस्ट अगर डेवलपमेंट मुश्किल लग रही है अभी इसके अंदर डिटर में करनी क्योंकि इसमें इंटेलिस सब कुछ है जो नॉर्मली होता है ठीक है अगर मुश्किल भी लग रही है तो आप एटलीस्ट अपनी सारी डिपेंडेंसीज डाल सकते हैं जो आपको ऑटोमेटिक बिल्ड करके रन करके चीज दे देगा लेकिन बिल्ड किसको करना है क्या करना है क्या रन करना है वो आपको कमांडे देनी पड़ेगी इसके अंदर तब तो आपको रेडने की जरूरत नहीं है थोड़ा पढ़ लीजिएगा और गिड पॉट के बारे में जी आर वी गुड यस सर बस लास्ट चीज है मीन को मेरे दिन पॉइंट आता है तो मैं बता देता हूँ आपको और अगर आप लोग काइंडली ये फीडबैक फिल कर दें दो मिनट लगेंगे आपके एक मिनट लगेगा जो भी आपको लगता है इसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और कोई सिनेरियो मे देखना चाहते हैं फ्यूचर में ये रहे। और लास्ट पॉइंट बस एनी क्वेश्चन ठीक है बच्चों ये आपको Eventually, थोड़ी अर से बहुत हेल्प करेगा सो ओकेट्स क्लोज दैन थैंक यू फॉर योर टाइम आई होप सब कुछ समझ आई होगी कोई फायदा होगा आपको इनशाला आगे ठीक है जी थैंक यू बाय